वीडियो में एड्रियन मैथीज एक छोटा लड़का था जिसकी जिंदगी कुछ खास नहीं थी। ना तो वो कभी स्कूल गया था और ना ही उसके खाने पीने का कुछ अता पता था। वो हमेशा से एक वायलेंट एनवायरनमेंट में पला बड़ा था। उसका निकनेम था पापुआ बैड बॉय। इंडोनेशिया में बड़े हुए एड्रियन की लाइफ स्टोरी नॉर्मल नहीं थी। उसने अपनी आंखों से अपने दादा का खून होते देखा था। उस समय इंडोनेशिया में पॉलिटिकल रायट्स चल रहे थे और इंडोनेशिया की कंडीशन कुछ खास नहीं थी, इसलिए ही उसने अपनी आंखों के सामने ये अजीब घटना होते हुए देखी थी। ऐसे में उसके दिल पर उस समय से ही डर बैठ गया था और वो अब बस सबसे बदला लेना चाहता था। ये सब देखकर उसकी माँ उसे और उसके भाई बहनों को लेकर वहाँ से वापस उसके पिता के पास चली गई थी, जिसके बाद वो कभी उस जगह नहीं लौटे थे। अपने माता और पिता के साथ रहने के बावजूद भी एड्रियन काफी डिस्टर्ब्ड बच्चा था। अपने टीनेज इयर्स में बहुत बार उसका नाम स्ट्रीट फाइट्स में आ जाया करता था। एड्रियन का मानना था कि अगर वो अपना गुस्सा नहीं दिखाएगा तो कोई और उसे उसके दादा के जैसे मार कर चला जाएगा। एड्रियन का गुस्सा और उसकी बात बात पर लड़ाई करने की आदत उसका डिफेंस बन गई थी। उसके माँ बाप उसे बार बार समझाने की कोशिश करते थे मगर एड्रियन छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर लेता था। ये सब देखने के बाद उसके पिता ने उसे मार्शल आर्ट्स ज्वाइन करने की सलाह दी। उसके पिता मानते थे कि ये आर्ट उसे डिसिप्लिन में ला सकती है और वो सारा गुस्सा भी यहीं उतार सकता है। वो जानते थे कि एड्रियन का गुस्सा उसकी प्रोटेक्टिव शील्ड है, तो अगर उसे मार्शल आर्ट्स आ जाएगा तो उसे खुद की सुरक्षा के लिए गुस्से पर रिलाय नहीं करना पड़ेगा। बस इसके बाद एड्रियन को अपनी राह मिल गई। जैसे उसका गुस्सा तो धीरे धीरे कम हुआ ही, मगर कब वो वर्ल्ड में अपने देश का नाम रोशन करने लगा किसी को पता ही नहीं चला। एड्रियन ने ना सिर्फ अपने गुस्से पर कंट्रोल किया मगर दूसरे बच्चों को भी इसी आर्ट फॉर्म में ले आया ताकि वो भी अपनी एनर्जी सही जगह डाल सके। उसे आज भी अपने दादा की मौत का अफसोस और गुस्सा है मगर अब वो दूसरों की मदद भी करता है जिसके साथ कुछ गलत हो रहा हो। बस टाइगर श्रॉफ का बागी पोर में कैरेक्टर कुछ ऐसा ही होने वाला है दोस्तों, जिसे पास्ट में कुछ ट्रॉमा देखना पड़ा हो। टाइगर को मार्शल आर्ट्स तो आता ही है, तो इसलिए वो मूवी में इसी कला का इस्तेमाल करते दिख सकते हैं। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो ये कहानी पसंद आई हो तो इसे फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। लाइफ स्टोरी काफी नॉर्मल नहीं है। उसने अपनी आंखों से अपने दादा का खून होते हुए देखा था। उस समय इंडोनेशिया में पॉलिटिकल राइट्स चल रहे थे और इंडोनेशिया की कंडीशन कुछ खास नहीं थी, इसीलिए ही उसने अपनी आंखों के सामने ये अजीब घटना होते हुए देखी थी। ऐसे में उसके दिल पर उस समय से ही डर बैठ गया था और वो अब बस सबसे बदला लेना चाहता था। ये सब देखकर उसकी माँ उसे और उसके भाई बहनों को लेकर वापस से उसके पिता के पास चली गई थी, जिसके बाद वो कभी उस जगह से नहीं लौटे थे। अपने माता और पिता के साथ रहने के बाद भी एड्रियन काफी डिस्टर्ब बच्चा था। अपने टीनेज इयर्स में बहुत बार उसका नाम स्ट्रीट फाइट्स में आ जाया करता था। एड्रियन का मानना था कि अगर वो अपना गुस्सा नहीं दिखाएगा तो कोई और उसे उसके दादा के जैसे मारकर चला जाएगा। एड्रियन का गुस्सा और उसकी बात बात पर लड़ाई करने की आदत उसका डिफेंस बन गई थी। उसके माँ बाप उसे बार बार समझाने की कोशिश करते थे मगर वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर लेता था। ये सब देखने के बाद उसके माता पिता ने उसे मार्शल आर्ट ज्वाइन करने की सलाह दी। उसके पिता मानते थे कि ये आर्ट उसे डिसिप्लिन में ला सकती है और वो सारा गुस्सा भी यहाँ उतार सकता है। वो जानते थे कि उसका गुस्सा उसकी प्रोटेक्टिव शील्ड है, तो अगर उसे मार्शल आर्ट्स आ जाएंगे तो उसे खुद की सुरक्षा के लिए गुस्से पर रिलाय नहीं करना पड़ेगा। बस इसके बाद ही उसको अपनी राह मिल गई। उसका गुस्सा तो धीरे धीरे कम हुआ ही, मगर कब वो वर्ल्ड में अपने देश का नाम रोशन करने लगा किसी को पता ही नहीं चला। उसने ना सिर्फ अपने गुस्से पर कंट्रोल किया मगर दूसरे बच्चों को भी इस आर्ट फॉर्म में लाया ताकि वो भी अपनी एनर्जी सही जगह डाल सके। उसे आज भी अपने दादा की मौत का अफसोस और गुस्सा है मगर अब वो दूसरों की मदद भी करता है जिसके साथ कुछ गलत हो रहा हो। बस दोस्तों, टाइगर श्रॉफ का बागी 4 में कैरेक्टर कुछ ऐसा ही होने वाला है जिसे पास्ट में कुछ ट्रॉमा देखना पड़ा हो। टाइगर को मार्शल आर्ट तो आती ही है, तो इसी के लिए मूवी में इसी कला का इस्तेमाल करते दिख सकते हैं टाइगर। दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। आप लोग बने रहिए, देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में। हमारी आज की राइटर है प्रतिमा। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। उसी साल 1948 में यूएन के पीस कीपिंग मिशन की स्थापना हुई थी और इसने अपने पहले ही मिशन में 1948 में हुए अरब इसराइल युद्ध के दौरान युद्ध विराम का पालन करवाने में अहम भूमिका निभाई थी।
साल 1948 से संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों ने 71 फील्ड मिशन शुरू किए हैं। वर्तमान में 4 महाद्वीपों में UNDPO के नेतृत्व में 13 शांति अभियानों में लगभग 81,820 कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साल 1999 के बाद से UN पीसकीपर्स और मिशन में 9 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। UN के दुनिया में शांति स्थापित करने वाले इस पीसकीपिंग मिशन में अभी 119 देशों ने अपने सैन्य और पुलिस कर्मियों का योगदान दिया है। मौजूदा वक्त में सेवारत लोगों में से 72,930 सैनिक और सैन्य पर्यवेक्षक हैं और लगभग 8,890 पुलिसकर्मी हैं। दोस्तों, भारत का संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सेवा का एक लंबा इतिहास रहा है। भारत ने किसी अन्य देश की तुलना में UN पीसकीपिंग मिशन में सबसे अधिक कर्मचारियों का योगदान दिया है। साल 1948 से लेकर अब तक दुनिया भर में स्थापित 71 UN शांति अभियानों में से 49 में 2,53,000 से अधिक भारतीयों ने सेवा दी है। मौजूदा वक्त में भारत के लगभग 5,500 सैनिक और पुलिस कर्मचारी संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में तैनात है। दोस्तों, भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में महिला कर्मियों को भेजता रहा है। साल 2007 में भारत UN शांति मिशन में महिला दल को तैनात करने वाला पहला देश बना था। दोस्तों, भारतीय महिलाओं के इस दल ने लाइबेरिया में गठित पुलिस यूनिट में 24 घंटे की गार्ड ड्यूटी निभाई। दोस्तों, इस दल ने राजधानी मोनरोविया में रात में गश्त की और लाइबेरिया पुलिस की क्षमता को बढ़ाने में अहम योगदान दिया। इन महिला अधिकारियों ने न केवल पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्र में सुरक्षा बहाल करने में भूमिका निभाई, बल्कि लाइबेरिया के सुरक्षा क्षेत्र में महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी करने में भी योगदान दिया। दोस्तों, बागी के चौथे पार्ट में भी UN पीसकीपर्स की कहानी को दिखाया जा सकता है कि कैसे एक सैनिक हर दूसरे 6 महीने में किसी अनजान मिशन पर जा रहा है और उससे उसे क्या नुकसान या परेशानी का सामना करना पड़ा है। यही हो सकता है बागी 4 की कहानी का मूल। तो आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, मैं एक बार फिर वापस आ गई हूँ एक नई कहानी के साथ में, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अच्छा, वैसे ब्रूस ली का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, मगर मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कई और भी जाने माने नाम हैं। अगिलन थानी नाम का ये मार्शल आर्टिस्ट अपने आप में एक हीरो है। अगिलन थानी का बचपन आसान नहीं था। 140 के वजन के साथ अगिलन काफी बच्चों में फेमस था, फेमस सभी गलत रीजंस की वजह से। अगिलन एक गरीब खानदान से था जिसके पिता दिन रात काम करके उसके और उसके भाई बहनों की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ते थे। अगिलन अपने 3 और फैमिली मेंबर्स के साथ सिर्फ 1 BHK अपार्टमेंट में रहता था। ये नया घर कोई आलिशान महल नहीं, बल्कि एक क्राइम एरिया में छोटा सा कमरा था। इतना छोटा घर और इतनी कम आमदनी के साथ अगिलन को काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी थी। अगिलन की माँ भी उससे और उसके परिवार को छोड़कर भाग गई थी, मगर इस गरीबी और माना होने से भी बड़ी दिक्कत थी कि वो काफी ज्यादा वजनदार था। बता दें कि एक जमाने में अगिलन को स्कूल में काफी बुली किया जाता था, उसे फैट बॉय और कुंफू पांडा जैसे नामों से बुलाया जाता था। इतना ही नहीं, उसे वुमेन्स चेस्ट है ऐसा भी कह के लोग चिढ़ाते थे। एक छोटा बच्चा जिसके पास सब मुश्किल से आता है, उसे उसके स्कूल के दोस्त काफी गंदा ट्रीट करते थे। ना तो कभी अगिलन के दोस्त बने और ना ही किसी ने अगिलन को अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने का मौका दिया। जैसे जैसे अपने स्कूल दिन में निकालने वाला अगिलन झट से घर आने की कोशिश करता था, मगर उसके पिता जानते थे कि इस दुनिया में पढ़ाई की क्या इम्पोर्टेंस है, इसलिए अगिलन के बहुत बार मना करने के बावजूद उसे स्कूल भेजा जाता था। इतना ही नहीं, जब उसने अपने पिता से कंप्लेन की तो उसके पापा ने उसे ये कहकर भगा दिया कि अगर उसने ऐसी छोटी चीजें वापस कही तो वो उसे थप्पड़ मार देंगे। अगिलन की जिंदगी में मानो एक बहुत ही ज्यादा कठिन समय चल रहा था जिसमें कोई उसका साथ नहीं दे रहा था। अगिलन ने एक दिन फ्लैश पॉइंट नाम की मूवी देखी जिसमें उसे ब्राजीलियन जिजुत्सु के बारे में पता चला, तो बस तब से ही वो बदल गया। उसके पास ज्यादा पैसा तो नहीं था, मगर उससे बाय चांस मोनार्की MMA मिल गया था। वो इस चीज का पूरा फायदा उठाने लगा। उसका 2 महीने में ही 6 किलो वजन कम हो गया, जिसके बाद उसे समझ आ गया कि उसे क्या करना है। और तब से ही अगिलन को लोग एलिगेटर के नाम से जानने लगे और वो MMA की दुनिया में का एक बड़ा नाम बन गया। तो यूं ही दोस्तों, अगिलन की कहानी हो सकती है बागी 4 में टाइगर के बचपन की कहानी। आफ्टर ऑल, हम सब जानते ही हैं कि टाइगर मार्शल आर्ट्स में कितना इन्वॉल्व रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। 2015 का एक किडनैपिंग केस काफी फेमस हुआ था।
वो इसलिए क्योंकि जितनी जल्दी ये किडनैपिंग हुई थी उतनी ही जल्दी ये छोटी सी बच्ची को बचा भी लिया गया था। दिल्ली के कनॉट प्लेस से एक 3 साल की बच्ची को किडनैप कर लिया गया था। इस केस की कंप्लेंट हाथों हाथ 3 घंटे में फाइल कर ली गई थी और मुकेश वालिया जो कि वहाँ पोस्टेड थे अपनी टीम के साथ इस केस पर लग गए थे। मुकेश ने अपनी पूरी टीम को 6 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था और सीपी के ही कुछ दुकानदारों से पूछताछ करने लगे। उनमें से ही एक जने से बात करते हुए पता चला था कि बच्ची कहाँ आखिरी बार देखी गई थी और ये भी कि उसने छोटी सी फ्रॉक पहनी थी नीले रंग की। ऐसे ही बात करते करते पता चला कि मुकेश की टीम को ही इस लड़की को एक हुड पहने आदमी के साथ देखा गया था। ये पास की ही एक भिखारी ने नोटिस किया था। जिस हुडेड इंसान की लोग बात कर रहे थे उसका नाम था टार्जन। उसने इस लड़की को अकेला देखा और उसे लीड मिला था कि इसको उठाने के बाद उसे पैसे दिए जाएंगे। ये टार्जन महज एक मोहरा था। इस बच्ची को किडनैप कर डिपार्टमेंट को ये लोग ब्लैकमेल करना चाहते थे। इस आपसी दुश्मनी में इन्होंने बच्ची को गायब करने का डिसीजन लिया। बच्ची को किडनैप ऐसे किया गया था कि जब वो सीपी में रास्ते पर कुछ खिलौने देखकर वहाँ चली गई थी तब टार्जन ने आकर उससे बात करनी चाही। ये लड़की टॉय कार देख ही रही थी जब टार्जन ने आकर उसे गुमराह किया और ये कहा कि उसका नाम भी टार्जन है और वो उसे ऐसी गाड़ी में बिठा सकता है। तब ये 3 साल की बच्ची टार्जन नाम सुनते ही बह गई और साथ जाने के लिए भी रेडी हो गई थी। उस बेचारी बच्ची को अंदाजा भी नहीं था कि किसी की दुश्मनी का शिकार वो बनने जा रही है। टार्जन को बच्ची को लाने के पैसे दिए जाने वाले थे अगले दिन। फिलहाल उसने लड़की को अपने साथ रखने का सोचा। रघुबीर नगर में बच्ची को रखा गया है इसकी खबर पता चल चुकी थी और इसीलिए ही उसे बचा लिया गया था, वरना किन्हीं के दंगे फसाद में बच्ची की कुर्बानी दी जाती। बाद में टार्जन को जब पकड़ा गया था तब उसने बताया कि उसे पैसे खिलाए गए थे और ये किसी की दुश्मनी का नतीजा है और उसे कुछ और नहीं पता। तो बस दोस्तों ऐसे ही दुश्मनी के चलते बागी 4 में भी एक छोटी 3 साल की बच्ची को टार्जन कार के लालच देकर उठाया जा सकता है। रॉ का घातक मिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रोशनी आपका स्वागत करती हूं आपके ही पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद भारत पर एक अनचाहा सा खतरा मंडरा रहा था। रॉ एजेंसी को लग रहा था कि इस वक्त परिस्थिति का फायदा उठाते हुए दुश्मन देश भारत पर आक्रमण करने के बारे में सोच सकता है। रॉ एजेंट संजय जिंदल परेशान थे क्योंकि उन्हें एक लीड मिली थी कि मई 1984 से अब्दुल खान एक के बाद एक आईएसआई अधिकारी और कुछ लोकल इंडियन लीडर्स से मीटिंग पर मीटिंग कर रहा था। उन्हें पूरी गुंजाइश थी कि जल्द ही ये भारत पर आतंकी हमले की तैयारी कर रहे हैं। इन्हीं सब में से एक नाम जिसके पीछे पिछले कई समय से रॉ पड़ी थी वो है पीएन संधु। पूरी रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद जिंदल दिल्ली के लिए रवाना होता है और वहां जाकर अपने सुपीरियर अथॉरिटी अनुज भारद्वाज से मिलता है। दुश्मन का इरादा जो भी हो लेकिन इस बार रॉ को एकदम आगे रहना है। रॉ के सामने एक बड़ी दुविधा थी कि संधू और खान का मिशन यूरोप में कैसे फेल किया जाए। जिंदल भारद्वाज के सामने एक ऑपरेशन करने का प्रस्ताव रखता है। जिंदल का मानना था कि अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो इसका सीधा असर दुश्मनों पर पड़ेगा। जिंदल 2 दिन में अपने ऑपरेशन की रिपोर्ट तैयार करता है और भारद्वाज को दिखाता है। रिपोर्ट के अनुसार संधू कई सालों से गायब था और अब लंदन में हो रही एक के बाद एक मीटिंग में वो खान के साथ पाया गया, जिसके बाद जिंदल हरबन के कजन अमरदीप को अपनी साइड करता है और उसे कहता है कि वो केवल उन्हें इतना बताए कि हरबन से मिलने कौन आ रहा है और उनके बीच क्या बातें हो रही हैं। इधर दूसरी ओर सोफी जिंदल को कॉल करती है और उसे कहती है हरप्रीत मिल गया है और वो ऑस्ट्रेलिया में है। जिंदल हरप्रीत के पास जाता है और उसे पूछता है कि उसने अपने करीबी सेठी के साथ रिश्तों को क्यों तोड़ दिया, जिसके बाद हरप्रीत उसे बताता है कि सेठी के आईएसआई के साथ संबंध थे। जिंदल ने हरप्रीत को बताया कि सेठी संधू के लिए काम करता है और उसे फंड्स भी प्रोवाइड कराता है और वो लोग भारत पर अटैक करने के लिए कुछ बड़ा सोच रहे हैं। जिंदल हरप्रीत को सेठी के साथ वापस दोस्ती करने को कहता है ताकि वो उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे सके, जिसके बाद हरप्रीत और सोफी शेट्टी के पास कैलिफोर्निया जाते हैं। इधर दूसरी ओर अमरदीप जिंदल को संधू के अकाउंट में हो रहे सारे मनी ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट देता है, जिससे ये पता चलता है कि आईएसआई संधू को काफी ज्यादा पैसे दे रही है। जिंदल ये सारी इन्फॉर्मेशन भारद्वाज तक पहुँचाता है और वो ब्रिटिश की अथॉरिटी को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है। ब्रिटिश अथॉरिटी के नाक के नीचे से इतनी बड़ी प्लानिंग हो रही देख वो शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। इसके बाद ब्रिटिश अथॉरिटी इंडियन रॉ एजेंसी की मदद से सबसे पहले हरबंद को गिरफ्तार करते हैं और उसके बाद हरबंद की मदद से संधू का प्लान फेल करते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। राहुल नाम का एक 7 साल का बच्चा अपना रेगुलर दिन ही जी रहा था जब अचानक उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने की ही नहीं थी।
अलापोजा नाम का केरला का गांव जहां पर सब शांति से रहते हैं, वहीं पर राहुल भी अपने माता पिता के साथ आराम से रहता था। राहुल स्कूल जाता था और पढ़ने में काफी होशियार भी था। मई 18, 2015 को राहुल पासी के एक ग्राउंड में खेलने गया था। राहुल और उसके दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे जब अचानक ही राहुल को प्यास लगी। राहुल उस समय बैटिंग कर रहा था और अपने साथ बैट लेकर ही पानी पीने चला गया। फील्ड के कोने में ही जब वो पानी पी रहा था तब एक अदाड़ी वाला आदमी जिसने हुडी पहनी थी वो आया। उसे राहुल से कुछ बात की। राहुल भी इस आदमी से नॉर्मली बात कर रहा था, तभी उसके दोस्तों ने उसे आवाज लगाई जिसकी वजह से इस आदमी ने राहुल से बैट लेकर ग्राउंड में फेंक दिया। अब बच्चे गेम में बिजी थे इसलिए उन्होंने राहुल का ना तो वेट किया और ना ही ये देखा कि वो आखिर क्या कर रहा है, इतनी देर कहाँ लगा दी। थोड़े टाइम बाद ना वहाँ राहुल था और ना वो आदमी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई कि राहुल आखिर गया कहाँ। बच्चों से जब पूछा गया तो किसी को उस आदमी की ना शक्ल ही याद नहीं थी, मगर सबने बताया कि राहुल उससे आराम से बात कर रहा था। उसके बाद सब इधर उधर ढूंढने लगे मगर किसी को भी कोई लीड मिल ही नहीं रही थी। बीच में गुमराह करने के लिए एक आदमी ने क्लेम किया था कि उसी ने मर्डर किया है, मगर ये बात गलत निकली क्योंकि बॉडी ही नहीं मिल पाई थी। बाद में पता चला कि वो आदमी शराब पी पी कर बस प्राइज मनी के लिए ये सब कर रहा था। उसके बाद से पुलिस को हटाकर केस सीबीआई को सौंपा गया, मगर कोई लीड तब भी नहीं मिली। पूरे गांव में बातें यही हो रही थी कि राहुल के पिता की दुश्मनी के चक्कर में बेटा कुर्बान हुआ है। उसकी किडनैपिंग की गुत्थी आज तक भी सॉल्व नहीं कर पाया है कोई, ना तो राहुल मिला कभी और ना ही उसकी बॉडी मिली। ये केस आज भी अनसॉल्व रहा है। राहुल को उस दिन के बाद कभी नहीं देखा गया और इसलिए ही इस केस को सीबीआई आज भी सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों ऐसी ही कहानी हमें बागी 4 में भी देखने को मिल सकती है, जिसमें ऐसा ही एक बच्चा किडनैप होने वाला है। इस बार बागी में एक बच्चे की किडनैपिंग दिखाई जाएगी जिसकी रिजेम्बलेंस राहुल की स्टोरी से हो सकती है। आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तकरीबन 50 किलोमीटर दूर छपरा जिले के एक गाँव में खुशी का माहौल था। लोग नाच गा रहे थे क्योंकि इस घर से बारात निकल रही थी, लेकिन इसी बारात के पीछे इस मकान के कमरे में वहां राज दफन था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। क्योंकि एक तरफ तो इस मकान में शादी हो रही थी, लोगों की भीड़ इकट्ठी थी, वहीं दूसरी तरफ इस मकान के कमरे में एक नौजवान अपनी रिहाई का इंतजार कर रहा था। हनीफ एक फैक्ट्री का मालिक था जिसे उसके साथ साथ उसका नौजवान बेटा सुहेल हिंगोरा संभालता था। लेकिन एक रोज दमन में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। जब एक दिन हनीफ हिंगोरा का बेटा सुहेल हिंगोरा फैक्ट्री का काम काज संभालने फैक्ट्री जाता है तो उसकी फैक्ट्री में कुछ हथियार बंद गुंडे घुस जाते हैं और वो सुहेल को किडनैप कर लेते हैं। यूं तो सुहेल कराटे में ब्लैक बेल्ट था, लेकिन हथियार बंद गुंडों के आगे उसकी एक ना चली और कुछ ही देर में वो गुंडे उसे लेकर दमन से बहुत दूर चले गए थे। 2 दिन बाद सुहेल के पिता हनीफ को एक कॉल आता है जिसमें कॉलर कहता है कि अगर अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो 100 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लो, इधर तुमने पैसे दिए उधर तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, लेकिन हाँ अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सुहेल के पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उन्हें समझ आ जाता है कि उनके बेटे को बदमाशों ने अगवा कर लिया है और अब उसे छुड़ाने का बस एक ही तरीका है कि वो किडनैपर्स की मांग को पूरा कर दे। लेकिन ये मांग भी इतनी बड़ी थी कि इसके बारे में सोच के ही हिंगोरा परिवार के पसीने छूट जा रहे थे। इधर दूसरी ओर दमन पुलिस बदमाशों को ट्रेस करने में लगी थी, जिसके बाद हिंगोरा परिवार के पास एक एक करके कई फोन कॉल्स आने लगे और हर बार किडनैपर्स ने सुहेल के परिवार वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने जल्द से जल्द पैसा नहीं दिया तो वो उनके बेटे को मार देंगे। लेकिन इस बातचीत में और तमाम कोशिशों के बाद भी दमन पुलिस बदमाशों का पता नहीं लगा पा रही थी। जाहिर है कि बदमाशों ने सुहेल को किडनैप करने की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। उधर दमन पुलिस सुहेल के घर आने वाले हर फोन कॉल्स का सर्वेलेंस शुरू कर चुकी थी, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी पुलिस उलझ कर रह जा रही थी। तो क्या पुलिस को किडनैपर्स के बारे में पता चल पाएगा? यूरोप में कीव सिटी को हीरो सिटी कहा जाता है। दुनिया का ये पहला शहर है जहां द्वितीय युद्ध के बाद रूस में कम्युनिस्ट के सत्ता में आने के बाद बस 3 साल में 1919 से 1921 के बीच 16 बार सत्ता बनी।
कब्जा और आजादी का खेल खेला गया। 3 साल में 16 बार सत्ता परिवर्तन के बाद भी न यूरोप समर्थित पोलैंड ने और न रूसी रेड आर्मी कब्जा रख पाया, तो अंत में हार कर 1921 की रीग संधि में इसे आपस में ईस्टर्न और वेस्टर्न यूक्रेन में बांट कर रख लिया गया। इस युद्ध में कीव पूरी तरह से एक बार फिर बर्बाद हो गया, इसलिए कीव को अभिशप्त शहर भी कहा जाता है, जिसके वैभव को किसी ना किसी बाहरी आक्रमणकारी या दुश्मन देश की नजर लगती रहती है। मगर कीव पहली बार बर्बाद हुआ नहीं, हुआ था, और जिस हालात से ये गुजर रहा है कोई नहीं कह सकता कि आखिरी बार बर्बाद हो रहा है। रूस आज भी यूक्रेन को 1654 वाला ही समझ रहा है जब पहली बार कीवियन को रूस के एक शासन में लाने की बात हुई थी। ये जनवरी 1654 में पेरियास्लाव शहर में पेरियास्लाव परिषद के रूप में हुई थी। इतिहास में पहली बार यूक्रेन को देश के रूप में मानने की शुरुआत हुई और यूक्रेन के रूसी फिक्शन के तौर पर देखा जाता है। रूसी साहित्य और प्रोपोगंडा मशीन इसे महान रूसी प्रजाति की एकता बताते हैं, तो पश्चिमी यूरोप और अमेरिका समर्थित साहित्य और प्रोपोगंडा बताते हैं कि किस तरह से पेरियास्लाव संधि को धीरे धीरे खत्म कर रूस ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया। यह भी स्वायत्त देश के नाम पर यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। कुछ लोग इसे पुतिन का सपना भी मानते हैं कि कीवियन रूस प्रजाति के देश रूस, यूक्रेन और बेलारूस एक रहे। यूक्रेन और रूस स्वाभाविक और परंपरागत साथी रहे। आज भी यूक्रेन की एक बड़ी आबादी खुद को रूस से जोड़ कर देती है, यही रूस की ताकत भी है। रूस के साथ इसके आसानी से रहने की वजह भी है। रूस, बेलारूस और यूक्रेन पूर्वी यूरोप में कीवियन रूस, जिन्हें ईस्ट स्लावियन की प्रजाति का माना जाता है, ऐतिहासिक रूप में एक रहे। ये भी ऐतिहासिक सच है कि जिसे रूसी प्रजाति के नाम से जाना जाता है वो भी कीवियन रूस या कीवियन रस ही कहा जाता है। रूस की जिद है कि यूक्रेन रूस दोस्त देश बनकर रहे और यूरोप, अमेरिका इसे पोलैंड की तरह स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश के नाम पर नाटो देश बनाकर रखना चाहते हैं। मगर इतिहास को दोहराना और इतिहास की घड़ियों की आगे निकल गई सुइयों को वापस लाकर उसी वक्त को निहारना दो अलहदा बातें हैं। इतिहास दोहराए जाने की शक्ल में भी मिटता और बनता है। इतिहास को पाने की सनक में बड़े बड़े साम्राज्य मिटा दिए हैं। यूक्रेन और रशिया के इसी जन्म से लेकर अब तक के इतिहास को बागी 4 में दिखाया जाने वाला है। टाइगर श्रॉफ इसमें यूक्रेन वासी दिखाए जाएंगे, लेकिन वो रूस में रहते होंगे। उन्हें रशिया में रहकर अपने लिए ज्यादा अवसर दिखते हैं, लेकिन वहीं उनके माँ बाप अपनी जन्मभूमि यूक्रेन से जुड़े हुए हैं। इसमें राजनीतिक लड़ाई झगड़े के साथ साथ एक लड़के के सफल होने के अवसर चुनने के साथ से लेकर आर्थिक मानसिक सभी विचारधाराओं को बागी 4 में दिखाया जाएगा। तो इस तरह बागी 4 की स्टोरी हो सकती है एक अजीब रात। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैंड स्टूडियोज में। ये कहानी कुछ समय पहले की है। मुंबई में जब अच्छी खासी गर्मी पड़ रही थी, तब एक मशहूर पॉलिटिशियन की बेटी ने एक किडनैपिंग की कंप्लेंट फाइल की थी। मुंबई की यह लड़की बेहद खूबसूरत और पैसे वाली थी। एक रात की बात है जब इस लड़की ने तय किया कि वो जरा बाहर यूं ही घूमकर आएगी। इस समय रात के 8 बजे थे और शहर में काफी चहल पहल थी। उसने तय किया कि वो जरूर ही आते समय कुछ घर का नॉर्मल सामान लेती आएगी। ऐसे में उसने चाबी उठाई और वो चल दी। अब ये लड़की अकेली कार में हाई म्यूजिक लगाकर अपनी लॉन्ग ड्राइव एंजॉय कर रही थी। उसने कुछ टाइम बाद ही गाड़ी डीमार्ट पर रुकी, जिसमें इस लड़की ने जाकर कुछ सामान जैसे ब्रेड, बिस्किट्स और कुछ चॉकलेट्स खरीद लिए। बस पैसे पे कर रही थी कि जैसे ही ये लड़की बाहर निकलकर गाड़ी में बैठने गई, तब पीछे से एक कार ने आकर इसे डरा दिया। इस लड़की को लगा कि ये कार वाले शायद डीमार्ट से ही आए होंगे, मगर उसे क्या पता था कि ये किडनैपर्स हैं। तुरंत ही एक लड़का आकर इस लड़की की कार में बैठ गया और इसे इशारा किया कि वो कुछ ना बोले। लड़के को लगा शायद वो पैसे या गाड़ी चुराने आया है, मगर उस लड़के ने इशारा करते हुए कहा कि वो चुपचाप निकलकर उसकी गाड़ी में बैठ जाए। ऐसे में उसके पास गन थी, इसीलिए लड़की भी डर गई। उसने गाड़ी बदली और पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। ऐसे में उसके साथ एक और लड़का बैठा था जो इस पर नजर रख रहा था। अब पहले वाला लड़का जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसे किसी का फोन आया। तब उसने बताते हुए कहा कि लड़की को उठा लिया, अब आप बड़े साहब को फोन कर सकते हो। दरअसल इस लड़की के पिता एक पॉलिटिशियन थे, जिसकी वजह से इस लड़की को उठा कर ले जाया जा रहा था। अब ये दोनों किडनैपर्स मुंबई की ही लोकल भाषा में डिस्कस कर रहे थे
कि इस लड़की को रोकना है या फिर मार देना है। मगर इस पॉलिटिशियन की बेटी को मराठी आती थी, इसीलिए इसने चालाकी से दोनों किडनैपर्स की गाड़ी पास में रुकवाई, ये बोलकर कि उसके पास एक सीक्रेट ब्रेसलेट है जिसमें ट्रांसमीटर लगा है। उस लड़की ने ये कहा कि ये ट्रांसमीटर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता है और अभी तक उसके पिता को पता चल गया होगा कि वो कहाँ है। बस इसी समय जब गाड़ी रुकी तो लड़की भाग गई, जाकर उसने पास के पुलिस स्टेशन में मदद मांगी, जिसके बाद उन दोनों किडनैपर्स को पकड़ लिया गया। सिक्योरिटी रीजन की वजह से पॉलिटिशियन या विक्टिम का नाम आगे नहीं लाया गया, मगर बहुत सी एनोनिमस मैगजीन्स और साइट्स ने इसे आगे लाकर इस केस को हाईलाइट में डाल दिया। तो बस ऐसे हो सकता है कि इस बार बागी में श्रद्धा कपूर एक पॉलिटिशियन की बेटी बने जिसकी किडनैपिंग की कोशिश कुछ इसी तरह हो। दोस्तों, यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी हुई है। 1991 तक यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ का हिस्सा था। अलग होने के बाद भी यूक्रेन में रूस का प्रभाव काफी हद तक दिखाई देता था। यूक्रेन की सरकार भी रूसी शासन के आदेश पर ही काम करती थी, लेकिन बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और अल्पसंख्यक रूसी भाषी लोगों के बहुसंख्यक यूक्रेनी लोगों पर शासन ने विद्रोह की चिंगारी सुलगा दी। 1991 में यूक्रेन ने रूस से आजादी का ऐलान किया और रेफरेंडम से लियोनिद क्रावचुक राष्ट्रपति बने। फिर 1994 में लियोनिद कुचमा ने लियोनिद क्रावचुक को चुनाव में हराया। इसके बाद 1999 में कुचमा एक बार फिर से राष्ट्रपति चुने गए और चुनाव में अनियमितता के आरोप लगे। 2004 में रूस के पक्षधर विक्टर यानुकोविच राष्ट्रपति बने। चुनाव में धांधली का आरोप लगा, प्रदर्शन हुए जिसे ऑरेंज रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। 10 जनवरी 2022 को यूक्रेन रूस तनाव के कारण यूएस और रूस के बीच राजनयिकों की वार्ता विफल हो गई। 14 जनवरी 2022 को यूक्रेन पर साइबर हमले की धमकी दी गई। 17 जनवरी 2022 रूस की सेना बेलारूस पहुंचनी शुरू हुई। बेलारूस एक रिपब्लिक कंट्री है जिसका ईस्टर्न बॉर्डर रूस से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, 24 जनवरी 2022 को नाटो ने सेना को समर्थन दिया, चीन ने अमेरिका का साथ दिया और साथ ही चीन ने कहा कि यूक्रेन को नाटो का हिस्सा नहीं होना चाहिए और रूस ने अपने हथियारों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, 24 जनवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर सैन्य ऑपरेशन का ऐलान किया और जंग शुरू हो गई। इसी बीच वहां बहुत से भारतीय फंस गए थे जिनका आना जाना बहुत मुश्किल लग रहा था। उन्हें वहां से रोमानिया के रास्ते से इन सभी को देश वापस लाया गया था। साथ ही इन्हें पोलैंड और हंगरी के रास्ते से भी इनको बाहर निकाला गया था। दोस्तों, यूक्रेन में 20,000 के करीब भारतीय फंसे हुए थे, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों का आंकड़ा था जो वहां पर पढ़ने के लिए गए थे। वो मेडिकल के छात्र बंकरों में छिपने को मजबूर थे। इसी वजह से भारत सरकार की तरफ से रेस्क्यू मिशन को तेज किया गया। दोस्तों, बागी 4 में इसी वॉर की कहानी में फंसे इंडियन की उस वॉर में क्या सिचुएशन थी उस समय को दिखाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये कहानी बागी 4 के लिए हिट साबित होगी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों, तमिल ईलम के लिबरेशन टाइगर से जाफना को नियंत्रित करने के लिए इंडियन पीस कीपिंग फोर्स द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का कोड नाम पवन था। जी हाँ, ये ऑपरेशन 1987 के अंत में लिट्टे के निरस्त्रीकरण के लिए भारत श्रीलंका समझौते के एक हिस्से के रूप में लागू किया गया था। लगभग 3 सप्ताह तक चली बुरी लड़ाई में IPKF ने लिट्टे से जाफना प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में ले लिया, कुछ ऐसा जो श्रीलंका की सेना ने किया था लेकिन करने में असफल रही। भारतीय सेना के टैंक, हेलीकॉप्टर, गनशिप और भारी तोपखानों द्वारा समर्थित IPKF ने 214 सैनिकों की कीमत पर LTTE को पार किया। 11 अक्टूबर 1987 दिन बहुत खास है। ये वही दिन है जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन पवन चलाया था। ये ऑपरेशन ना तो पाकिस्तान के खिलाफ था, ना चीन के खिलाफ, और ना ही ये नगा विद्रोहियों या नक्सलियों के खिलाफ था। भारतीय सेना ने ये ऑपरेशन श्रीलंका में साल 1987 में चलाया था। दरअसल 11 अक्टूबर 1987 को भारतीय शांति सेना ने श्रीलंका में जाफना को लिट्टे के कब्जे से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन पवन शुरू किया था, लेकिन इस समझौते की बैठक में तमिल विद्रोहियों को शामिल नहीं किया गया था। दोस्तों, श्रीलंका में शांति भंग की समस्या की जड़ में वहां के निवासी सिंघली तथा तमिलों के बीच का द्वंद था। तमिल लोग वहां पर अल्पसंख्यकों के रूप में बसे हैं। श्रीलंका की कुल आबादी का केवल 18% हिस्सा ही तमिल है और श्रीलंका की सिंघली बाहुल्य सरकार की ओर से तमिलों के हित की अनदेखी होती रही है। इससे तमिलों में असंतोष की भावना इतनी बढ़ती गई कि
उसने विद्रोह का रूप ले लिया और वो स्वतंत्र राज्य तमिल ईलम की मांग के साथ उग्र हो गए। श्रीलंका सरकार ने तमिल ईलम की इस मांग को न सिर्फ नजरअंदाज किया बल्कि तमिलों के असंतोष को सेना के दम पर दबाने का प्रयास करने लगी। इस दमन चक्र का परिणाम ये हुआ कि श्रीलंका के तमिल नागरिक बतौर शरणार्थी भारत के तमिलनाडु में भागकर आने लगे। ये स्थिति भारत के लिए अनुकूल नहीं थी, इसीलिए श्रीलंका के साथ हुए समझौते में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का श्रीलंका जाना तय हुआ, जहां वो तमिल उग्रवादियों का सामना करे, वहां शांति बनाने का काम करे ताकि श्रीलंका से भारत की ओर शरणार्थियों का आना रुक जाए। भारतीय शांति सेना ने सभी उग्रवादियों से हथियार डालने का दबाव बनाया जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हुई, लेकिन तमिल ईलम का उग्रवादी संगठन लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम ने धोखा किया। उसने पूरी तरह से हथियार न डालने वाली अपनी नीति बदल दी और उन्होंने आत्मघाती दस्तों का गठन करके गोरिल्ला युद्ध की कला को अपना लिया। ऐसी स्थिति में भारत की शांति सेना की भूमिका बदल गई। खुद को टाइगर्स के हमले से बचने के लिए उन्हें भी सतर्क योद्धा का तरीका अपनाना पड़ा और वहां युद्ध जैसी स्थिति आने से बच नहीं पाई। दोस्तों फिर 11 अक्टूबर 1987 को जाफना से तमिल उग्रवादियों के सफाई के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन पवन शुरू किया। लगभग दो सप्ताह के संघर्ष के बाद भारतीय सेना ने जाफना और अन्य प्रमुख शहरों से लिट्टे के प्रभाव को खत्म कर दिया। हालांकि नवंबर 1987 तक अन्य ऑपरेशन चलते रहे। इस समय देश के अन्य हिस्सों में हिंदू सिख झगड़े भी अपने चरम पर थे। ऐसे ही श्रीलंकाई तमिल लड़ाई झगड़े के बीच की तस्वीर को मेकर्स बागी फोर का हिस्सा बना सकते हैं। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है? 2020 का समय है जब भारत सहित पूरे विश्व में कोरोना बीमारी चल रही है। इसी बीच भारतीय सेना ने महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में सरकार की मदद करने के लिए ऑपरेशन नमस्ते के रूप में अपने एंटी कोविड-19 अभियान को कोड नेम दिया है। नॉर्दर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड और दिल्ली हेडक्वार्टर में कोरोना हेल्पलाइन सेंटर्स बनाए गए थे। इसके जरिए कोरोना वायरस की चपेट में आए लोगों की मदद की जाएगी, साथ ही साथ आम नागरिकों को इस संकट से जुड़ी जानकारियां भी दी जाएगी। साथ ही बीमारी में यदि किसी जगह पर खाने की कमी हो या फिर कहीं पर स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए जहां आम लोग नहीं पहुंच पाए थे वहां सेना ने पहुंचकर इस मुश्किल समय में लोगों की मदद की और ऑपरेशन नमस्ते को सफल बनाया। निगरानी और आइसोलेशन की क्षमता भी बढ़ाई गई थी। सभी आर्मी हॉस्पिटलों को 6 घंटों की सूचना पर सिर्फ कोविड-19 मरीजों के लिए 45 बेड का आइसोलेशन वार्ड और 10 बेड का आईसीयू वार्ड तैयार करने का निर्देश दिया गया था। जिन इलाकों में कोरोना का असर ज्यादा था वहां के 30% फिल्ड हॉस्पिटलों को स्टैंडबाय मोड में रखा गया है। क्विक रिएक्शन मेडिकल टीम गठित हुई जो सूचना मिलने के 6 घंटे के अंदर मरीज को अस्पतालों में पहुंचाने की तैयारी कर लेती थी। दोस्तों ऑपरेशन नमस्ते के साथ ही सेना ने दिसंबर 2001 में संसद पर हमले में पाकिस्तान के हाथ होने के कुछ अहम सबूत मिले तो भारत ने उसके खिलाफ ऑपरेशन पराक्रम चलाया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सेना की सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया था और दिसंबर 2001 और जून 2002 तक भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सेना धीरे धीरे नियंत्रण रेखा LOC की ओर बढ़ती रही। इसका असर ये हुआ कि पाकिस्तानी सेना ने दबाव में आकर आतंकवादी समूहों को समर्थन देना बंद कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए जिन्हें आज भी याद किया जाता है। इसी तरह के एक ऑपरेशन में सेना ने जम्मू की तवी नदी में सांसें थाम देने वाला कारनामा किया। इसमें वायुसेना के जवानों ने गजब की जाबाजी दिखाते हुए 2 लोगों को सकुशल बचाया। बागी फोर में भी टाइगर ने 400 बम ब्लास्ट के बीच लाइव एक्शन सीन किए हैं। इन एक्शन सीन के दौरान वो कई बार बुरी तरीके से घायल भी हुए। एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान ने बागी फोर के एक्शन सीन को लेकर बातें की। उन्होंने कहा कि फिल्म में कुल मिलाकर 400 ब्लास्ट हुए हैं, सारे एक्शन सीन लाइव फिल्माए गए हैं। वैसे बता दे ऐसा पहले बागी 3 में भी हुआ था जब बस बम की गिनती थोड़ी सी कम थी। बता दे फिल्म के मेकर्स ने एक सीन के लिए 90 से 95 ब्लास्ट एक साथ फिल्माए हैं। टाइगर के लिए काफी खतरनाक स्टंट रहा है। इस सीन में किसी भी तरीके के VFX का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये सब कुछ रियल होगा। इतना ही नहीं बागी 3 के सीन को रियल दिखाने के लिए 100 किलो एक्सप्लोजन का इस्तेमाल भी किया गया था।
हालांकि इस दौरान सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया था। गल्फ कंट्रीज में यह फिल्म शूट हुई थी और वहां की आर्मी ने काफी मदद की है। इन खतरनाक एक्शन सीन के दौरान टाइगर को कई बार काफी चोट भी आई। एक सीन में टाइगर श्रॉफ बिना शर्ट के भाग रहे थे, इसलिए उनकी पीठ छिल गई और कट भी लगे, लेकिन टाइगर ने इस काम को बहुत ही बखूबी किया, जो सच में तारीफों के लायक है। अब अगर बात करें बागी 4 के एक्शन सीन की, तो अब की बार इसकी शूटिंग को मॉस्को, रूस आदि देशों में फिल्माया जाने वाला है और ऐसे ही ऑपरेशन बागी 4 का हिस्सा होने वाले है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जो एक रियल बागी है। उनका नाम है शेर सिंह राणा, जो सबसे खतरनाक यात्रा पर गए और भारत के 800 साल पुराने गौरव पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वापस लाने के लिए। बात है 1990 की, जब उत्तराखंड में शेर सिंह राणा उर्फ पंकज सिंह यानी बचपन का नाम स्कूल में पढ़ रहे थे, तब उसने वीर पृथ्वीराज चौहान की कहानी पढ़ी और उसने सुना कि पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां अभी भी अफगानिस्तान में बेअदब तरीके से दफन है। उसे ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं लगी कि भारत के एक वीर को सम्मान तक नहीं मिल सका, जो अपने धरती के लिए लड़ा और उसने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। अब उसने उन अस्थियों को भारत लाने का फैसला किया और वो जेल में रहकर प्लान्स बनाने लगा। वहां उसका एक दोस्त प्रदीप ठाकुर, जो वहां का गैंगस्टर था, वो उसका वकील होने का बहाना बनाकर मिलने आता था और उसके साथ सारी बातें डिस्कस करता था। फिर वो प्लान्स बनाते हैं तिहाड़ से भागने के लिए। दोस्तों, लगभग 3 साल बाद 2004 को राणा ने उस प्लान को एग्जीक्यूट किया। पुलिस की वर्दी पहनकर प्रदीप सुबह 7 बजे जेल पहुंचा। प्रदीप ने एक फॉर्म भरा और एक वारंट दिखाया। इसके बाद उसने शेर सिंह राणा को हथकड़ी पहनाई और जेल से बाहर ले गया। इतना ही नहीं, उसने जेल से 40 रुपए भी लिए, जो कैदी को बाहर ले जाने पर खाना खिलाने के लिए मिलते हैं। फिल्मी अंदाज में तिहाड़ जेल से फरार हो गए और फिर बवाल हुआ, क्योंकि तिहाड़ जैसी जेल से किसी कैदी का फरार हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। दोस्तों, राणा अपने दोस्त प्रदीप की मदद से तिहाड़ जेल से फरार हो गया। प्रदीप ने पुलिस के भेस में राणा को हरिद्वार ले जाने का नाटक किया और बाद में राणा मुरादाबाद गया और उसने एक होटल में चेक इन किया। राणा ने फिर उनके रिश्तेदारों से कांटेक्ट किया, जिन्होंने उन्हें 1 लाख रुपए भेज दिए। फिर राणा वहां से रांची चला गया और उसने अपने मित्र विजय कुमार के नाम से पासपोर्ट के लिए आवेदन दिया। वहां के लोकल लोगों ने, नेताओं ने भी राणा का साथ दिया, क्योंकि राणा के मंसूबे नेक थे। वो भारत के गौरव पृथ्वीराज चौहान की भारत में समाधि बनाना चाहता था, जिसके वो हकदार थे, जिससे उन्हें पूरा सम्मान मिले। लोगों का भरोसा जीत कर वो भरोसा कायम भी तो रखना था। वो उसके लिए एक कठिन परीक्षा थी, जिसे उसे किसी भी कीमत पर पास करना था, पर आखिर में वो कामयाब हुआ। दोस्तों, वो 11वीं शताब्दी के हिंदू राजपूत शासकीय पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लाया। उसने इसका 40 मिनट का वीडियो भी बनाया और उसे अपलोड कर दिया, इस दावे की पुष्टि के लिए कि उसने अपना वादा पूरा किया, जो कुछ सालों पहले उसने खुद से किया था। फिर राणा ने पृथ्वीराज सिंह चौहान की समाधि की थोड़ी मिट्टी इकट्ठा की। भारत लौटकर वहां के लोकल नेताओं की मदद से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया। 2006 में गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शेर सिंह राणा को दोबारा जेल में डाला। साल 2012 में शेर सिंह राणा ने जेल से ही यूपी चुनाव का पर्चा भरा। साल 2014 में कोर्ट ने उसे फूलन देवी हत्याकांड में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2016 में मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां शेर सिंह राणा को बेल मिल गई। ठाकुरों की हत्या का बदला लेने के चलते ठाकुरों के बीच उसकी हीरो वाली इमेज बन गई। पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वापस लाने वाली कहानी की मदद से भी उसे खूब पॉपुलैरिटी मिली। दोस्तों, राणा की बहादुरी और बुद्धिमता के कारण सरकार ने उसे न्याय भी दिया और उसकी सजा भी माफ कर दी। अब राणा अपनी पार्टी बनाकर जनता की सेवा कर रहे हैं और आज भी चर्चा में रहते हैं और लोगों का खास भी बने हुए हैं। तो ये थी रियल बागी की कहानी। तो दोस्तों, हो सकता है कि आने वाली फिल्म बागी 4 में हमें ऐसी ही कहानी सुनने को मिले या ऐसे ही किरदार को देखने को मिले, पर इसके लिए हमें करना होगा थोड़ा सा इंतजार। वैसे आप बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करिए। और 15 सितंबर 1965 की वो रात हमारे लिए ऐसे टेस्ट की तरह थी। ये उस वक्त की बात है जब भारत और पाकिस्तान में 22 दिनों तक लड़ाई चली थी। ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर ए.के. लूथरा ने हमें सियालकोट कैंटोनमेंट और उसके सामने सिचुएटेड 168 इन्फैंट्री ब्रिगेड सेक्टर
में 1000 लैंडमाइन बिछाने के लिए सिर्फ 6 घंटे का वक्त दिया था। इसे दो दिन पहले 13 सितंबर को पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों ने इंडियन आर्मी बटालियन एरिया में हमला करते हुए हमारे सैनिकों द्वारा 12 सितंबर को जीती गई कलारवांदा पोस्ट से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। 15 सितंबर की सुबह हुई ऑपरेशन मीटिंग में कर्नल प्रेम कुमार जो कि 8JAK राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर्स ने बटालियन को पीछे हटने का फैसला लिया क्योंकि उनके पास आर्टिलरी सपोर्ट नहीं था। कर्नल ने मांग की कि उन्हें अपनी बटालियन एरिया के सामने लैंड माइन चाहिए जिससे काउंटर अटैक के वक्त उनके आदमियों को थोड़ी सुरक्षा मिले। ब्रिगेड कमांडर लूथरा ने 8000 माइन देते हुए सेकेंड लेफ्टिनेंट सरन जमे को इन्हें लगाने की जिम्मेदारी दे दी। सेकेंड लेफ्टिनेंट जयंत सरन रमे ने इस काम की जिम्मेदारी लेते हुए मार्किंग खुदाई और माइंस की धुलाई के लिए कर्नल प्रेम की बटालियन से अतिरिक्त जवानों की मांग की। कर्नल प्रेम के पास अपनी राइफल्स मैन को खुदाई और धुलाई के काम में लगाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं दिखा, उन्होंने हाँ कर दी। 8JAK राइफल्स के अलावा दो अन्य बटालियन ने भी इस काम में मदद की। ब्रिगेड कमांडर ने अगला आदेश माइंस को ट्रक्स में ही आर्म करने का दिया। हालांकि आमतौर पर माइंस को पिट में डालने के बाद उसे आर्म किया जाता है, इस काम के लिए ब्रिगेड कमांडर द्वारा सेकंड लेफ्टिनेंट रेन सरन रमे को चुनने के पीछे का कारण कमांडर का लेफ्टिनेंट पर अटूट भरोसा था। युवा सरन रमे कुछ ही महीने पहले हजारों लैंड माइंस को लगा और निकाल चुके थे। उस रात 10 ट्रकों में 8000 लैंड माइंस को लोड किया गया। सेकंड लेफ्टिनेंट सरन रमे और उनके 61 जवानों ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए एक्टिवेटेड लैंड माइन से लदे उन ट्रकों में अपनी यात्रा शुरू की। ट्रेंड किए गए सेकंड लेफ्टिनेंट जयंत अपने जवानों के साथ 3 ग्रुप में बंटकर शांत लेकिन तेज रफ्तार और पूरे कौशल के साथ एक के बाद एक गड्ढों में लैंड माइन बिठा रहे थे। जयंत के दुस्साहस का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस रात उन्होंने अपने जवानों के साथ दुश्मन के खेमे से महज 1500 मीटर की दूरी तक माइंस बिछा डाली थी और दुश्मन को कानों कान खबर भी नहीं हो पाई। लेफ्टिनेंट जयंत ने बड़ी होशियारी से इस काम में पेड़ों की सूखी पत्तियों की मदद ली और पक्की सड़क पर भी लैंड माइंस बिछा कर उसे सूखी पत्तियों से ढक डाला। अपने इस काम के लिए उन्हें 1966 में गैलेंट्री अवार्ड सेना मेडल से नवाजा गया। लेकिन आज भी उनकी वीरता किसी अनसुनी दास्ता की तरह है। लोगों को तो पता ही नहीं कि कैप्टन जयंत ने 1965 की उस लड़ाई में क्या किया था। कैप्टन जयंत को ये बात भी खलती है कि रिकॉर्ड्स में ये बात कहीं भी मेंशन नहीं है कि उन्होंने 1965 की लड़ाई में 8000 लैंडमाइंस बिछाई थी। ऐसी ये कहानी मेकर्स बागी 4 में दिखा सकते हैं। भारत चीन युद्ध जो भारत चीन सीमा विवाद के रूप में भी जाना जाता है, चीन और भारत के बीच 1962 में हुआ एक युद्ध था। चीन को लगता था कि तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोह के पीछे भारत का ही हाथ है। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किए। चीनी सेना दोनों मोर्चे में भारतीय बलों पर उन्नत साबित हुई और पश्चिमी क्षेत्र में चुशुल में रेजोंगला एवं पूर्व में तवांग पर अवैध कब्जा कर लिया। चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी और साथ ही विवादित दो क्षेत्रों में से एक से अपनी वापसी की घोषणा भी की। हालांकि अक्सर चीन से भारतीय पोस्ट और गश्ती दल हटा दिए गए थे जो संघर्ष के अंत के बाद प्रत्यक्ष रूप से चीनी नियंत्रण में चला गया। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के आधे से भी ज्यादा हिस्से पर चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अस्थाई रूप से कब्जा कर लिया था। फिर चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया और उसकी सेना मैकमोहन रेखा के पीछे लौट गई। भारत चीन युद्ध कठोर परिस्थितियों में हुई लड़ाई के लिए उल्लेखनीय है। इस युद्ध में ज्यादातर लड़ाई 4250 मीटर से अधिक ऊंचाई पर लड़ी गई। इस प्रकार की परिस्थिति ने दोनों पक्षों के लिए रसद और अन्य लॉजिस्टिक समस्याएं प्रस्तुत की। इस युद्ध में चीनी और भारतीय दोनों पक्ष द्वारा नौसेना या वायु सेना का उपयोग नहीं किया गया था। ज्यादातर लड़ाई ऊंचाई वाली जगह पर हुई थी। अक्सर चीन क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सॉल्ट फ्लैट का एक विशाल रेगिस्तान है और अरुणाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसकी कई चोटियां 7000 मीटर से अधिक ऊंची है।
सैन्य सिद्धांत के मुताबिक आमतौर पर एक हमलावर को सफल होने के लिए पैदल सैनिकों के 3:1 के अनुपात की संख्यात्मक श्रेष्ठता की आवश्यकता होती है। पहाड़ी युद्ध में ये अनुपात काफी ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इलाके की भौगोलिक रचना दूसरे पक्ष को बचाव में मदद करती है। चीन इलाके का लाभ उठाने में सक्षम था और चीनी सेना का उच्चतम चोटी क्षेत्रों पर कब्जा था। दोनों पक्षों को ऊंचाई और ठंड की स्थिति से सैन्य और अन्य लॉजिस्टिक कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और दोनों ने कई सैनिक जमा देने वाली ठंड से मर गए। भारत के सैनिकों की इसी मुश्किलें और हौसलों को लेकर बागी फ्रेंचाइज का चौथा पार्ट आ सकता है जिसमें भारत चीन के युद्ध को दिखाया जा सकता है। आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, ईरान बंधक संकट की वजह करीब आधी सदी पुरानी थी। सारा झगड़ा और खेल तेल का था। ईरान में तेल की खोज होने के बाद वहां पेट्रोलियम भंडारों पर इंग्लैंड और अमेरिका की कंपनियों का कब्जा हो गया था। 4 नवंबर 1979 को उधर शाह न्यूयॉर्क पहुंचे और इधर आयतुल्ला समर्थक आंदोलनकारी छात्र तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास में घुस गए। वहां घुसकर उन्होंने 66 लोगों को बंधक बना लिया। बंधकों में ज्यादातर राजनयिक और दूतावास के कर्मचारी शामिल थे। कुछ ही समय के अंदर बंधकों में से 13 लोगों को रिहा कर दिया गया। बाकी 53 लोग बच गए थे, जिनमें से एक को हेल्थ इशू के कारण छोड़ दिया गया। बाकी 52 लोगों को बंधक बना लिया गया, जो करीब 444 दिनों तक बंधक रहे। आंदोलनकारियों की मांग थी कि अमेरिका शाह को ईरान के हवाले करें। रजा के खिलाफ ईरान के नए लीडर रूहुल्लाह खुमैनी मुकदमा चलाना चाह रहे थे। पहले तो अमेरिका ने कूटनीति से मामले को हल करने की कोशिश की। करीब 6 महीने तक अमेरिका की ओर से कोशिश की गई। अंत में 16 अप्रैल 1980 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने सैन्य कार्रवाई की मंजूरी दी। दोस्तों, योजना के मुताबिक सुरक्षा कर्मियों को मार गिराने के बाद बंधकों को लेकर ईरान के मंजरिया एयरफील्ड पर पहुंचना था। अमेरिकी थल सेना के रेंजर्स को मंजरिया एयरफील्ड पर कब्जा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। फिर वहां से बंधकों और अमेरिका की हमलावर टीम को ईरान से बाहर पहुंचाना था। रेंजर्स को वहां रुककर मिशन में इस्तेमाल हुए सभी ताजो सामान और हेलीकॉप्टरों को तबाह करना था। मिशन का पहला हिस्सा तो योजना के मुताबिक सफल रहा। पहला MC-130 विमान लड़ाकू दल के साथ पहुंच गया। मिशन के इस्तेमाल होने वाले साजो सामान और ईंधन भी इसके साथ ही डेजर्ट वन में पहुंच गए थे। लेकिन मिशन की सफलता की कहानी यहीं तक सीमित थी, क्योंकि MC-130 के दूसरे विमान के पहुंचने के बाद सब गड़बड़ होने लगा। थोड़े समय के लैंडिंग क्षेत्र से गुजरने वाले हाईवे पर एक बस नजर आई। चूंकि ये खुफिया मिशन था, इसीलिए मिशन के लड़ाकू दल ने बस को जबरदस्ती रुकवाया और यात्रियों को कब्जे में ले लिया, ताकि मिशन की भनक ईरानी अथॉरिटीज को ना लगे। उतने में एक टैंकर ट्रक डेजर्ट वन की ओर तेजी से आता दिखाई दिया। उस टैंकर को उड़ाना पड़ा, जिससे एक यात्री की मौत हो गई। बाकी के MC-130 के विमान भी थोड़ी देर में पहुंच गए और वे हेलीकॉप्टरों का इंतजार करने लगे। दोस्तों, निमित्त से हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी, लेकिन रास्ते में एक हेलीकॉप्टर खराब हो गया, जिससे वो उसे वहीं छोड़ना पड़ा। बाकी के हेलीकॉप्टरों को तेज रतीले तूफान का सामना करना पड़ा, जिससे सारे हेलीकॉप्टर तितर बितर हो गए और एक फॉर्मेशन में उड़ान नहीं भर पाए। यहां आकर एक और हेलीकॉप्टर खराब हो गया, जिसे वहीं छोड़ना पड़ा। सभी हेलीकॉप्टर अलग अलग डेजर्ट वन में पहुंचे। वे वहां 50 से 90 मिनट देर से पहुंचे। वहां पहुंचने पर एक और हेलीकॉप्टर खराब हो गया, जिसका हाइड्रोलिक सिस्टम खराब हो गया। बाकी बच गए थे 5 हेलीकॉप्टर। इस स्थिति में एक कमांडर ने मिशन को टालने का सुझाव दिया। ऑपरेशन को टाल दिया गया। उसके बाद हमलावर टीम को किसी तरह वापस लाने की योजना पर काम होने लगा। दोस्तों, इस स्थिति में एक और ट्रेजेडी ने अमेरिका सैनिकों को आ घेरा। एक और हेलीकॉप्टर तेज रेगिस्तानी तूफान में कंट्रोल खोने लगा। पायलट ने किसी तरह हेलीकॉप्टर को काबू में करने की कोशिश की। इस चक्कर में हेलीकॉप्टर का मेन रोटर ब्लेड एक EC-130 विमान के विंग रूट से जा टकराया। EC-130 विमान में ईंधन भरा था। दोस्तों, इस टकराव की वजह से हेलीकॉप्टर और विमान दोनों में विस्फोट हो गया और धू धू कर वो जलने लगा। इस हादसे में अमेरिकी नौसेना के 3 जवान और वायुसेना के 5 जवान मारे गए। दोस्तों, अमेरिकी वायुसेना के पायलट और को पायलट बच तो गए, लेकिन बुरी तरह जल गए थे। इस चक्कर में मिशन की गोपनीय फाइल भी जलकर राख हो गई। कुल मिलाकर ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम रहा। खैर, बाद में अमेरिकी बंधकों को छोड़ दिया गया था।
दोस्तों इस तरह के इंटरनेशनल मिशन ऑपरेशन ईगल क्लॉ को बागी 4 का हिस्सा बनाया जा सकता है, जिसमें टाइगर अमेरिकी पायलट की भूमिका को निभा सकते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अप्रैल 1965 में कच्छ के बड़े इलाके पर पाकिस्तान ने अपना हक जमाया। उसके ऑपरेशन का नाम था डेजर्ट हॉक। ऑपरेशन डेजर्ट हॉक कच्छ क्षेत्र के रण में पाकिस्तानी सेना द्वारा नियोजित और क्रियान्वित एक सैन्य अभियान का कोड नेम था। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन के जरिए कई मकसद पूरे करने की योजना बनाई थी। 1 सितंबर को पाकिस्तान की सेना अखनूर पुल तक आ पहुंची थी। अब भारत की बारी थी। भारतीय फौज ने 6 सितंबर को पंजाब फ्रंट पर मोर्चा खोल दिया और सेना लाहौर की तरफ बढ़ गई। 24 घंटे में सियालकोट सेक्टर में भारतीय सेना तेजी से आगे जा रही थी। पाकिस्तान की सेना खेमकरण की तरफ बढ़ी और यहां भीषण टैंक युद्ध लड़ा गया। भारतीय फौज को हावी होता देख पाकिस्तान सहम गया। इधर जंग लड़ी जा रही थी, उधर संयुक्त राष्ट्र में हलचल बढ़ गई थी। 4 सितंबर 1965 को सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव 209 के जरिए सीज फायर का आह्वान किया, लेकिन दोनों शर्तें रखे रहे हैं और ऐसे में मुश्किल हो रही है। इसके बाद महासचिव ने सुरक्षा परिषद को सुझाव दिया कि वो अपने स्तर पर कुछ ठोस कदम उठाए। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से अनुरोध किया जाए कि वे किसी मित्र देश में मिलकर संकट का हल निकाले। आखिरकार 20 सितंबर को परिषद ने प्रस्ताव 211 पारित किया, जिसके तहत कहा गया कि 22 सितंबर 1965 को सुबह 7 बजे से सीज फायर होगा। साथ ही दोनों देशों के सैनिक पीछे हटकर 5 अगस्त से पहले वाली स्थिति में चले जाएंगे। बाद में जनवरी 1966 में भारत और पाकिस्तान के नेता तश्केंद जो सोवियत संघ हुआ करता था में मिले और शांति समझौता हुआ था। तश्केंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ एक शांति समझौता था। इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से तय करेंगे। तो ऐसे इस समझौते और वॉर से दोनों देशों और आसपास की पॉपुलेशन इकोनॉमी को कितना और क्या क्या नुकसान हुआ और भारत के नजरिए से युद्ध क्यों किया गया, ये सब बागी के मेकर्स इसके फोर्थ पार्ट में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या ये बागी 4 के लिए कहानी थी? भारत और पाकिस्तान कई बार युद्ध में उलझ चुके हैं। हर बार युद्ध की वजह जम्मू कश्मीर ही रही है। 1965 में भी इसी मामले पर दोनों देशों में युद्ध हुआ था। 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जे के लिए ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम चलाया था। इसको तत्कालीन तानाशाह और राष्ट्रपति जनरल अयूब खान की सहमति मिली थी, लेकिन भारत ने समय रहते सही निर्णय लेते हुए उसकी इस नापाक साजिश को नाकाम कर दिया था। पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के तहत कश्मीर को हथियाने का पूरा खाका तैयार किया था। इस प्लान के तहत पाकिस्तान आर्मी को कश्मीर में दाखिल होकर वहां के लोगों को भारतीय सेना के खिलाफ भड़काना और अपने साथ मिलाना था। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि उसकी ये कोशिश रंग लाएगी और जम्मू कश्मीर के लोग भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर देंगे। पाकिस्तान आर्मी के जवान अलग अलग टुकड़ियों में थे और भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहे थे। जब तक भारत को पाकिस्तान की तरफ से हो रही घुसपैठ की जानकारी हुई, तब तक पाकिस्तान आर्मी ने काफी जवान कश्मीर में दाखिल करवा चुके थे। जानकारी मिलने के बाद भारत ने जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त जवानों को भेजा। दूसरी तरफ भारतीय सेना ने जानकारी मिलने के तुरंत बाद पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तान सेना के ठिकानों पर तबड़तोड़ हमले किए गए। पाकिस्तान आर्मी के जवानों की सप्लाई लाइन को खत्म करने के मकसद भी कई हमले किए गए। 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम की शुरुआत सुबह 5 बजे की थी। इस दौरान जो हमला किया गया वो काफी जबरदस्त था, लेकिन भारतीय जवानों ने हौसला नहीं हारा और भारी गोलाबारी के बीच आगे बढ़ने का फैसला लिया गया। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वो अपने टैंक AMX-13 को आगे नहीं बढ़ा सकता था, क्योंकि अखनूर का पुल उनके लिहाज से काफी कमजोर था। वहीं दूसरी तरफ मौजूद पाकिस्तान के AM-47 और M-48 पेटन टैंक के सामने भारत के टैंक कमजोर साबित हो रहे थे। यही वजह थी कि पाकिस्तान के हमले के आगे भारत अभी तक रक्षात्मक रवैया अपनाए हुए थे।
पाकिस्तान की सेना तय समय पर हमला करने से चूक गई थी। भारत को अब तक इस बात का अंदाजा हो चुका था कि पाकिस्तान का क्या प्लान है। 6 सितंबर को भारत ने पाकिस्तान के खतरनाक प्लान को भांपते हुए युद्ध का एक और मोर्चा पंजाब में खोल दिया था। पाकिस्तान को अब इस बात का खतरा लगने लगा था कि भारतीय सेना सीमा पार कर काफी अंदर तक घुस जाएंगे। इस खतरे को भांपते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर से अपनी फौज को समेट लिया और दूसरे मोर्चे पर घिर गया। भारत के इस फैसले ने कश्मीर में न सिर्फ पाकिस्तान के नापाक इरादों को मिट्टी में मिला दिया था, बल्कि पाकिस्तान को हर मोर्चे पर करारी हार भी दिलाई थी। इसी ग्रैंड स्लैम को बागी फिल्म में चौथे पार्ट में दिखाया जा सकता है, जिसे भारत के परसेप्ट से दिखाया जाएगा कि कैसे भारत ने यह जंग जीती और सैनिकों को क्या क्या समस्या आई। आपको क्या लगता है, क्या ऑडियंस को ग्रैंड स्लैम की कहानी अच्छी लगेगी? है दुश्मनों का प्लान, क्या टाइगर वायरस का एंटीडोट बना पाएंगे? जानेंगे इन्हीं तमाम सवालों के जवाब और कहा दोस्तों बल्कि अपनी आज की इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे चाइना की एक लैब में हुई गड़बड़ी की वजह से रेफिकल वायरस पूरे चाइना में फैल जाता है और चाइना से फैलते फैलते वायरस इंडिया पहुंच जाता है और जब इसकी खबर भारत सरकार को लगती है तब वो देश के टॉप साइंटिस्ट की एक टीम बनाकर इस वायरस की वैक्सीन को बनाने का काम उन्हें सौंप देते हैं, जिसमें हमारे टाइगर श्रॉफ भी शामिल होते हैं, जो भारत सरकार को वादा कर देते हैं कि वैक्सीन जल्द से जल्द बन जाएगी। अब इसके आगे की कहानी सुनिए ना, ऐसे कैसे बीच में छोड़ दो। दरअसल भारत सरकार से वादा करने के बाद साइंटिस्ट की टीम रेफिकल वायरस का एंटीडोट बनाने के काम पर लग जाती है, लेकिन किसी भी वायरस का एंटीडोट बनाने से पहले वो वायरस कैसे बना है इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी ये रेफिकल वायरस कैसे बना ये दुनिया में किसी को नहीं पता होता सिवाय चाइना की उस लैब के, और वहां से कुछ भी पता करना मुश्किल है। इसलिए इंडिया ने अपने डिटेक्टिव्स जो चाइना में मौजूद थे उन्हें एक्टिवेट किया और ये वायरस कैसे बना ये जानने के लिए कहा गया ताकि जल्द से जल्द इसका एंटीडोट बन सके। इसके बाद इंडियन जासूस ने अपने नेटवर्क की मदद से वायरस कैसे बना ये पता लगाया। दरअसल ये वायरस किसी केमिकल के ऊपर एक्सपेरिमेंट में हुई गड़बड़ी की वजह से बन गया और ये वायरस जहां लोगों की ज्यादा भीड़ होती है वहां तेजी से फैलता है। ये जानकारी जैसे ही इंडियन साइंटिस्ट की टीम को मिली उन्होंने डिफरेंट फॉर्मूला यूज करके वायरस का एंटीडोट बनाने की कोशिश शुरू कर दी, पर उन्हें भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ देश के दुश्मनों ने इंडिया में धर्म के नाम पर माहौल खराब करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से जगह जगह पर दंगे फसाद भी शुरू हो गए थे, जिसे देखते हुए भारत सरकार ने तुरंत हिंसा हो रहे इलाकों में पुलिस तैनात कर दी ताकि दंगे ज्यादा ना भड़के। पुलिस के इलाके में आने के बाद दंगे होने लगभग बंद हो गए। अब भाई दुश्मनों को अपना प्लान फेल होता नजर आ रहा था तभी उन्हें पता चलता है कि भारत वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी तक उसका कोई भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो उन्होंने इसका फायदा उठाने की कोशिश की और वैक्सीन को लेकर भारत के अंदर ये फेक न्यूज फैला दी कि इससे लोग मर रहे हैं और ये झूठी खबर आग की तरह फैल गई और फिर एक बार दंगे होने शुरू हो जाते हैं, जिसे पुलिस भी कंट्रोल करने में नाकाम हो जाती है और दंगों में ज्यादा भीड़ आने की वजह से जहां एक दिन में 1000 केस आ रहे थे वहीं पर अब ये आंकड़ा बढ़कर 1,00,000 को पार कर गया होता है, जिसके चलते हेल्थ केयर सिस्टम पर काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा था। अब एक तरफ दुश्मन अपने मकसद में कामयाब हो रहा है तो दूसरी तरफ वायरस इन्फेक्टेड लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब इसके आगे की कहानी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन तब तक आप हमें ये जरूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि टाइगर आखिर ऐसा क्या रामबाण देंगे जिससे ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगी। चलिए लेती हूँ आप सभी से विदा, आप लोग ना इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ना हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को, और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया में काम करना चाहते हैं तो हमारे पास आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। क्या लोग कर रहे हैं टाइगर की फिल्म को ट्रोल? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल वर्मा, स्वागत करती हूं आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में।
मुझ पे आती तो मैं छोड़ देता, मेरे भाई पे आती तो मैं फोड़ देता। ये डायलॉग तो हम सब ने सुना ही हुआ है टाइगर की जुबान से। एक्टर और डांसर टाइगर श्रॉफ ने अपने अमेजिंग डांस मूव से फिल्म देखने वालों के दिलों में लुभाना कामयाबी हासिल की है। उन्होंने 2014 में एक एक्शन कॉमेडी फिल्म वीरपंती के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि एक्टर को साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म बागी के लिए काफी सराहना मिली। सुपरहिट फिल्म में टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिका में थे। बाद में दो सीक्वल बागी 2 और बागी 3 को भी 2018 और 2020 में रिलीज किया गया। टाइगर की एक्टिंग स्किल्स के अलावा उनके डायलॉग्स भी उनके फैंस के बीच काफी पॉपुलर हैं। अब टाइगर वापस एक बार आ रहे हैं बागी 4 के साथ, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं अहमद खान। अब क्या ये एक्टर और डायरेक्टर की जोड़ी कमाल दिखा पाएगी? वैसे देखा जाए तो दोनों ही बेहतरीन हैं अपने अपने काम में। अहमद और डायरेक्टर की इस जोड़ी में अब उनके फैंस काफी उम्मीद कर रहे हैं। वही कई प्लेटफॉर्म्स पर उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि फिल्म में टाइगर यानी बागी के अपोजिट दिखेंगे सारा अली खान और इन दोनों की जोड़ी को हम देखेंगे साथ में पहली बार। अब बाकी कास्ट तो रिवील नहीं की है, क्या हमें कुछ अलग देखने को मिलेगा बागी 4 में? क्या इस बार कमाल दिखा पाएगी ये एक्टर और डायरेक्टर की जोड़ी? ट्रोलिंग से बच पाएंगे टाइगर? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अमरीकी राष्ट्रपति जो कि उस समय बाइडेन थे, उन्होंने अमरीकी जनता को बताया कि अलकायदा के लीडर को टारगेट किया गया है। इसके बाद तस्वीरों में सामने आया जिसमें एक शख्स जिसका नाम स्मोक था ने देखा और सोचा कि अरे ये तो वही जगह है जहां वो पहले रह चुका है। ये उसके लिए एक अविश्वसनीय घटना थी। स्मोक को अफसोस हुआ कि अमेरिका के जिस दुश्मन पर $25 मिलियन का इनाम है वो भी वही था जहां पहले वो रह चुका था। तब कुछ जासूसों ने अलकायदा नेता और उनके परिवार का साथ देने वाले नेटवर्क के बारे में पता लगाया। इसके बाद उसके घर तक पहुंच बनाई और वहां पर कड़ी निगरानी रखी गई। इसमें एक महिला पर खास नजर रखी गई थी जो जवाहरी की पत्नी मानी जा रही थी। इसके अलावा वो महिला आतंकी ट्रेडक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रही थी ताकि किसी को उनके पति के बारे में पता ना चल सके। इस पड़ताल में सबसे अहम बात यह थी कि जवाहरी ने कभी भी घर के बाहर कदम ही नहीं रखा और वो कभी कभी बालकनी में भी आता था। जिस पर अच्छे से रिसर्च की गई और पूरी तरह से सब कुछ स्पष्ट होने के बाद इसे मारने की प्लानिंग शुरू हो गई। इसके बाद खुद बाइडेन ने खुद इस ऑपरेशन पर ध्यान रखा और हर चीज को ध्यान में रखते हुए मारने का प्लान बनाया गया। इस मिशन की खास बात यह थी कि इसमें जवाहरी के अलावा किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं हुई थी और यहां तक कि उसके घर वालों को भी इसके बारे में पता नहीं चला। इस पूरे ऑपरेशन में उसके बालकनी में आने के पैटर्न पर खास ध्यान दिया गया और उसके हिसाब से ही ऑपरेशन को अंजाम भी दिया गया। इसके बाद सुबह जब वो बालकनी में आया तो अमेरिका के ड्रोन ने उस पर हमला किया। अमेरिका के ऑपरेशन के समय अल जवाहरी बालकनी में खड़ा था। अमेरिका ने हेलफायर मिसाइल से सटीक निशाना लगाया और आतंकी को मार गिराया। उस पर खास मिसाइल के जरिए हमला किया गया था जो ड्रोन की मदद से ही पॉसिबल हुआ था। अल जवाहरी तब 71 इयर्स का था। अमेरिका द्वारा उसामा बिन लादेन को मारने के 11 साल बाद आतंकी सरगना को अमेरिका ने उसामा की तरह ही मार गिराया। जवाहरी का ठिकाना लंबे समय से एक रहस्य बना हुआ था। 2020 के अंत से अफवाहें फैल रही थी कि अल जवाहरी की बीमारी से मृत्यु हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। और फिर काबुल में उसका पता लगाकर उसकी मौत को अंजाम दे दिया गया। तो दोस्तों, ये जो आज हमने आपको मिशन बताया है, ऐसा ही कोई मिशन हमें फिल्म बागी में, बागी के पार्ट 4 में देखने को मिल सकता है। तो आप हमें बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं बागी 4 के लिए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। बॉलीवुड के हैंडसम हंग टाइगर श्रॉफ को तो सभी जानते ही होंगे। वो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ के इकलौते बेटे हैं। वैसे तो टाइगर श्रॉफ ने अपने पिता जैकी श्रॉफ से हटकर अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाई है। वो बॉलीवुड के उन सितारों में से एक हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर बॉलीवुड में नाम बनाने में सफलता हासिल की है। टाइगर का नाम सुनकर आजकल की यंग जनरेशन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है। सभी उनके बेहतरीन डांस मूव्स और उनके परफेक्ट फाइटिंग एक्शन सीन्स के दीवाने हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं,
अभी कुछ समय से टाइगर सिंगिंग लाइन में भी अपना हाथ आजमाते दिखाई दे रहे हैं और उनके फैंस उनका पूरा सपोर्ट भी कर रहे हैं। टाइगर जल्दी ही आयुष्मान खुराना की तरह मल्टी टैलेंटेड स्टार बन जाएंगे। सबको अपना दीवाना बनाए रखने वाले टाइगर हाल ही में अहमद खान की फिल्म हीरोपंथी 2 में नजर आए थे। फिल्म में उनके साथ तारा सुतारिया लीड रोल में नजर आई थी। इन दोनों की जोड़ी को ऑडियंस ने खूब पसंद तो किया, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रही। अब टाइगर जल्दी ही अपनी अपकमिंग फिल्म बागी 4 में लीड रोल में काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म में उनके साथ बॉलीवुड की सबसे सिंपल और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर लीड रोल में काम करती हुई नजर आ सकती हैं। इससे पहले भी श्रद्धा बागी सीरीज का हिस्सा रह चुकी हैं और अब एक बार फिर उनकी और टाइगर की जोड़ी बड़े पर्दे पर रोमांस करती हुई नजर आएंगी। बात करें अगर फिल्म के डायरेक्शन की, तो आपको बता दें कि फिल्म को जाने माने डायरेक्टर और कोरियोग्राफर अहमद खान डायरेक्ट करने वाले हैं। टाइगर और श्रद्धा के साथ फिल्म में और भी कई नामी कलाकार सपोर्टिंग रोल में काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म में काम करने के लिए सपोर्टिंग एक्टर को डिसाइड करके उन्हें अप्रोच करने के काम कास्टिंग टीम कर रही है। जैसा कि आपको पता ही होगा, फिल्म में नजर आने वाले लीड एक्टर को फिल्म के डायरेक्टर खुद अप्रोच करके फाइनलाइज करते हैं और बाकी के एक्टर्स को फिल्म की कास्टिंग टीम उन्हें अप्रोच कर फाइनलाइज करती है। फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर को कास्ट करने का काम बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा कर रहे हैं। वो इससे पहले भी बॉलीवुड के कई बड़े डायरेक्टर्स के साथ उनकी फिल्म में स्टार कास्ट को कास्ट करने का काम कर चुके हैं। उन्होंने सूरज बरजात्या, राजकुमार हिरानी, अनुराग कश्यप, अभिषेक मुखर्जी और करण जौहर जैसे और भी कई बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया है और अब अहमद खान की इस अपकमिंग फिल्म के लिए एक बेहतरीन स्टार कास्ट को कास्ट करने का काम करेंगे। फिलहाल मुकेश फिल्म के लिए एक विलन को कास्ट करने का काम में बिजी हैं। उन्होंने अब तक कई एक्टर्स को फिल्म और विलन के रोल निभाने के लिए कास्ट किया है, लेकिन फिल्म की स्क्रिप्टिंग पूरी होते ही वो फिल्म की स्क्रिप्ट के अनुसार ही विलन के कैरेक्टर प्ले करने के लिए किसी एक्टर को अप्रोच करेंगे। खबरों की माने तो मुकेश विलन का रोल निभाने के लिए पहले साउथ के एक्टर सुधीर बाबू को अप्रोच करने वाले थे। सुधीर ने इससे पहले इस फिल्म सीरीज की पहली फिल्म बागी में भी विलन का रोल प्ले किया था, लेकिन अब फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने अपना मन बदल लिया है और वो फिल्म में फ्रेडी दारूवाला को विलन के रोल में अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इस बात को लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि वो कुछ न्यू कमर्स का ऑडिशन ले रहे हैं और ऑडिशन खत्म होने के बाद ही ये कंफर्म होगा कि बागी 4 में कौन विलन का किरदार निभाएगा, सुधीर बाबू, फ्रेडी दारूवाला या फिर कोई और। बात करें अगर सुधीर और फ्रेडी की, तो आपको बता दें कि ये हमारे मॉडर्न इंडियन सिनेमा के उन विलन्स में से एक हैं जो फिल्म के हीरो को सेक्सी लुक्स और हैंडसम होने में बराबर की टक्कर देते हैं। सुधीर बाबू टॉलीवुड से बिलोंग करते हैं। उन्होंने टॉलीवुड सहित बॉलीवुड में कई बेहतरीन फिल्में की हैं। वहीं फ्रेडी ने भी बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया है। उन्हें पहचान अक्षय की फिल्म हॉलीडे में विलन का रोल निभाने से मिली है। ऑडियंस इन दोनों एक्टर्स की एक्टिंग से बहुत प्रभावित है और इतना ही नहीं, इन दोनों एक्टर्स को फिल्म में विलन का रोल प्ले करते हुए देखकर ऑडियंस ने ये भी कहा कि विलन इतना हैंडसम कब से होने लगा। वेल, हम तो यही कहेंगे कि अब ये मॉडर्न जमाना है, यहाँ विलन भी हीरो जितने पॉपुलर और हैंडसम होते हैं। डायरेक्टर अहमद खान के निर्देशन में बन रही ये फिल्म अगले साल के अंत तक यानी साल 2023 के अंत तक सिनेमाघरों में रिलीज की जा सकती है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिल्मी दुनिया के सभी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियो से। यहाँ हम आपको देंगे बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड की फिल्मों की एक एक खबर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को कीजिए लाइक और हमें कमेंट्स में बताइए कि आप बागी 4 में किसे विलन का किरदार निभाते हुए देखना चाहते हैं। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियो को। धन्यवाद। फ्रेंचाइजी की कौन सी स्टोरी हुई सबसे ज्यादा हिट? क्या होगी बागी 4 की स्टार कास्ट? कब से होगी बागी 4 की शूटिंग? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। अगर बात करें बागी फ्रेंचाइजी की, तो बागी 2 की स्टोरी को ऑडियंस ने सबसे ज्यादा पसंद किया। टाइगर के फैंस ने भी उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ की। 60 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 253 करोड़ की बेहतरीन कलेक्शन की। बागी 2 एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे अहमद खान ने डायरेक्ट किया है और फिल्म की ओरिजिनल स्टोरी अदिवी शेष ने लिखी है।
इस फिल्म में रणवीर प्रताप सिंह एक इंडियन आर्मी ऑफिसर होते हैं। एक दिन उनको अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से एक मैसेज मिलता है जो उससे हेल्प मांगती है। सालों पहले ब्रेकअप के बाद भी रणवीर यानी रॉनी छुट्टी लेकर लड़की की हेल्प के लिए जाते हैं, क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि अगर वो किसी जरूरत में पड़ेगी तो वो उसके लिए जरूर हाजिर होगा। रॉनी रेहा से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, मगर शादी से कुछ मिनटों पहले ही वो उनसे अलग हो गई थी, जबकि रणवीर अभी भी सिंगल है। और नेहा की शादी शेखर दर्शन कुमार से हुई है और दोनों की एक बेटी है जिसका नाम रिया बारबी शर्मा है। गोवा पहुंचने के बाद जब रॉनी नेहा से मिलता है तब वो ये जानकर चौंक जाता है कि 2 महीने पहले रिया को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था और पुलिस बच्ची का पता नहीं लगा पाई। रॉनी के पास कोई सुराग नहीं है, बस उसके पास रिया की एक तस्वीर, तब भी वो खोज शुरू करता है। नेहा रॉनी से बताती है कि उसके पास रिया की और कई तस्वीरें नहीं है। वो रॉनी को अपने हस्बैंड और देवर से भी नहीं मिलवाती है। रॉनी उस्मान की कार रेंटल एजेंसी से एक कार रेंट करता है। फिर जल्द उसे पता चलता है कि उस्मान सनी ने लिए ड्रग कैरियर के रूप में काम करता है। एक बार रॉनी लापता रिया के लिए न्यूज़पेपर में विज्ञापन भी जारी करता है तो उसको एक रहस्य का पता चलता है। एक आदमी जो ये कहता है कि वो गोवा के बाहर रहता है रॉनी से संपर्क करता है और बताता है कि रिया मिस सिंह की बेटी है। फिर रॉनी को नेहा से हस्बैंड शेखर से भी मिलना का मौका मिलता है जो उसे बताता है कि उसकी और नेहा की कोई बेटी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या रिया सच में है, अगर है तो कहाँ है और कोई तो झूठ बोल रहा है, नेहा या शेखर। अगर रिया का किडनैप नहीं हुआ तो वो गायब कहाँ हो गई। तो ये थी टाइगर श्रॉफ की बागी 2 जिसे ऑडियंस ने काफी पसंद किया था। वहीं बागी 3 का भी ऑडियंस रिस्पांस पॉजिटिव रहा, मगर बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। अब बागी फ्रेंचाइजी के फिल्म मेकर्स को ये तो पता चल ही गया होगा कि ऑडियंस कैसी स्टोरीज को ज्यादा पसंद करते हैं, और बागी 4 में भी फिल्म मेकर्स एक डिफरेंट स्टोरी के साथ ही आएंगे। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं बागी 4 के लिए? अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। किन जगहों पर होगी फिल्म की शूटिंग? कौन संभालेगा सेट डिजाइनिंग का काम? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग मूवी बागी इन दिनों काफी सुर्खियों में छाई हुई है। फिल्म को लेकर टाइगर श्रॉफ के फैंस और इस फिल्म सीरीज के फैंस फिल्म के चौथे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मशहूर कोरियोग्राफर, फिल्म प्रोड्यूसर के साथ साथ फिल्म डायरेक्टर के तौर पर काम करने वाले अहमद खान फिल्म के निर्देशन का काम संभालते हुए नजर आएंगे। वहीं असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर बॉलीवुड की एक्ट्रेस सारा अली खान के भाई और सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम संभालते हुए नजर आ सकते हैं। फिल्म में बॉलीवुड के एक्शन सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ और बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन श्रद्धा कपूर फिल्म में लीड रोल में अभिनय करते हुए नजर आ सकते हैं। इससे पहले भी टाइगर और श्रद्धा ने बागी और बागी 3 के साथ काम किया था, और अब एक बार फिर ऑडियंस को इन दोनों की पॉपुलर जोड़ी बड़ी स्क्रीन पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल मेकर्स फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। स्क्रिप्ट कंप्लीट होते ही वो फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले मेकर्स ने फिल्म से जुड़ी कई और बड़े फैसले भी लिए हैं, जिनमें फिल्म के हर डिपार्टमेंट और उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले क्रू की एक लिस्ट बनाई जा रही है। आपको बता दें कि फिल्म की शूटिंग अगले साल की शुरुआत से शुरू की जा सकती है और फिल्म की शूटिंग डेस्टिनेशंस डिसाइड करने का काम लोकेशन मैनेजमेंट टीम को दिया गया है। इस लोकेशन मैनेजमेंट टीम के हेड अभय एस दत्ता हैं और उन्होंने फिल्म की शूटिंग के लिए गोवा, साउथ इंडिया, थाईलैंड, तुर्की, दुबई, इजिप्ट और लंदन जैसी शानदार लोकेशंस सेलेक्ट की हैं। मेकर्स इन लोकेशंस में से किन्हीं 5 जगहों पर फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें फिल्म के सेट की, तो आपको बता दें कि जब भी मेकर्स फिल्म की शूटिंग करते हैं तो उन्हें शूटिंग से पहले अपने सीन के हिसाब से सेट डिजाइन करवाना पड़ता है, जिससे कि फिल्म में रॉनेस आए और ऑडियंस को फिल्म पसंद आए। मेकर्स ने सेट डिजाइन की इस बात को विशेष महत्व देते हुए फिल्म के लिए कुछ नामी और टैलेंटेड लोगों को हायर किया है। जाने माने सेट डिजाइनर कृष्णा स्वेन, जेलेना मिरकोविक और संदीप माहिर फिल्म के अलग अलग सीन्स के हिसाब से सेट डिजाइनिंग का काम संभालते हुए नजर आएंगे। टाइगर और श्रद्धा स्टारिंग ये फिल्म अगले साल के अंत तक या फिर साल 2024 की शुरुआत तक सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। कितनी होगी टाइगर श्रॉफ की फीस बागी 4 में? कौन गाएगा फिल्म के गाने? क्या फिल्म के फैंस भूल जाएंगे खान्स को? नमस्कार दर्शकों, मैं करती हूँ आप सभी का स्वागत बॉलीग्राड स्टूडियोज पर।
आज हम बात करने वाले हैं बागी फ्रेंचाइजी की अगली मूवी बागी 4 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बागी फ्रेंचाइजी एक ऐसी सीरीज बन चुकी है जिसकी सारी ही फिल्मों का हिट होना तो तय है। बागी, बागी 2 और बागी 3 अब तक बहुत हिट हुई हैं और अब देखना ये है कि क्या बागी 4 भी उतनी ही हिट जाती है। आप सभी को बता दें कि ऑडियंस की उम्मीदों से तो ऐसा लगता है कि बागी 4 फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही हिट जाएगी और उसके बाद ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी आएगी और इसी के साथ हमें बहुत सारा क्राउड इंटरनेट पर दिखाई देगा इस फिल्म को देखता हुआ। ये फिल्म ऑडियंस के बीच बहुत ही हिट होने वाली है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म के लिए 30 करोड़ रुपए फीस ली है। जी हाँ दर्शकों, 30 करोड़। इसी के साथ साथ फिल्म की हीरोइन को 8 करोड़ में फाइनल किया गया है। फिल्म में विलन का होना तो कोई अहम बात नहीं है क्योंकि बागी की सारी सीरीज में आपने ध्यान दिया होगा कोई भी मेन विलन नहीं है। बस इतना दिखाया जाता है कि टाइगर श्रॉफ अकेले ही पूरी आर्मी से लड़ते हैं और अपने प्यार को बचाने के लिए ढेरों दुश्मनों का अकेले सामना करते हैं। तो इसी के साथ साथ फिल्म का कोई भी विलन फाइनल नहीं हुआ है अब तक। अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी वजह जिसकी वजह से आपको ये फिल्म देखने जरूर जाना चाहिए। पहली वजह, टाइगर श्रॉफ। अगर आप कोई ऐसे हीरो को पसंद करते हैं जो सिर्फ हीरोगिरी में नहीं है बल्कि ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाता है तो आपको ये फिल्म देखने जरूर जाना चाहिए क्योंकि टाइगर श्रॉफ एक ऐसी ही वजह है। टाइगर श्रॉफ एक ऐसे हीरो है जो बहुत डाउन टू अर्थ है और उनकी फिल्में ऑडियंस अपने से कनेक्ट कर पाती है। दूसरी वजह है फिल्म की लॉन्ग लास्टिंग सीरीज। ये एक ऐसी सीरीज बन चुकी है जो काफी समय से आ रही है और इसकी आगे भी बहुत सी फिल्में आना तय है। ये सीरीज बहुत ही हिट जाने वाली है आगे और इसीलिए आपको ये फिल्म देखने जरूर जाना चाहिए। अगली वजह है फिल्म के VFX। आपको बता दें टाइगर श्रॉफ एक ऐसे हीरो हैं जो कभी भी VFX का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। फिल्म में VFX और एडिटिंग बहुत ही लिमिटेड होगी और ज्यादातर सीन्स हमें ओरिजिनल देखने को मिलेंगे, इसीलिए हमें फिल्म देखने जरूर जाना चाहिए। अगली वजह है स्मॉल बट इम्पैक्टफुल कैरेक्टर्स। जी हाँ दर्शकों, बागी की तीनों फिल्म्स में हमें देखने को मिला कि छोटे छोटे कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले कर गए। खान्स की तरह नहीं, खान्स की फिल्मों में हमें देखने को मिलता है कि मेन एक वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, लेकिन बागी की फिल्मों में हमने ये देखा है कि फिल्म के छोटे छोटे कैरेक्टर्स बड़ी छाप छोड़ जाते हैं। और अगला रीजन है फिल्म के गाने। फिल्म के गाने बहुत ही हिट होते हैं। फिल्म के गाने ऑडियंस को इतने पसंद आते हैं कि अब तक बागी की सीरीज का गाना सब तेरा और लो सफर शुरू हो गया ऑडियंस सुनती है और इन गानों को एंजॉय भी करती है। तो फिल्म ऑल इन ऑल परफेक्ट पैक होने वाली है एंटरटेनमेंट का, एक्शन का, रोमांस का, ड्रामा का। तो इस फिल्म को देखने आप जरूर जाएं और हाँ, हमें ये जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में आप इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं। खैर, मैं लेती हूँ आप सबसे विदा। फिर मिलेंगे यही इसी चैनल पर चटपटी खबरों के लिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टाइगर बाकी स्टार किड्स से डिफरेंट? अगर अभिनेता नहीं होते तो क्या होते टाइगर? क्या श्रद्धा ही है राइट चॉइस बागी 4 के लिए? मुझ पे आती तो मैं छोड़ देता, पर मेरे भाई पर आती तो मैं फोड़ देता। ये जो तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है। फिल्म में लिमिटेड पर इफेक्टिव डायलॉग और एक्शन के कारण फेमस हुए टाइगर श्रॉफ आज के समय में काफी चर्चा में है, और चर्चा में हो भी क्यों ना। इतने कम समय में एक से एक हिट फिल्में जो उनकी झोली में आती जा रही हैं, और अब उनकी अपकमिंग हिट सीरीज बागी का भी 4th पार्ट आने के लिए भी रेडी है। आपको बता दें कि टाइगर स्टार किड होने के बाद भी जैकी श्रॉफ जी ने इसका फायदा उन्हें नहीं उठाने दिया और फिल्म में सिलेक्शन उनकी काबिलियत के हिसाब से हुई, उनके पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण ही हुई। आपको बता दें कि साजिद ने पहली फिल्म के लिए टाइगर को ऑडिशंस के लिए बुलाया था और पूछा था कि यदि वो नहीं चले तो क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं लंदन जाके सेटल हो जाऊंगा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ टाइगर
कि बागी फिल्म के किरदार रॉनी की कुछ क्वालिटीज के बारे में, जो कि यदि आप सब में भी होगी तो आप भी इस किरदार को खुद से ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे और इस मूवी को देखने के लिए थिएटर जरूर जाएंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। बागी, रिबेल, बागी शब्द वैसे तो कोई अच्छा शब्द नहीं है और ना ही बागी होना कोई अच्छी बात है। बागी का मतलब होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की नहीं मानता और ना ही किसी की सुनता है, बस हर जगह सिर्फ अपने मन की करता है, चाहे वो सही हो या गलत। पर जैसे पार्ट वन में रॉनी के गुरु ने रॉनी को सिखाया था कि बागी बनो पर किसी पॉजिटिव रीजन के लिए, सिपाही और बागी में यही डिफरेंस है कि वो एक नियमों के साथ चलता है और दूसरा बिना नियमों के। पर सिपाही तो हमेशा ही जीतता है और उसकी जीत हमेशा ही तय होती है, पर यदि बागी का उद्देश्य गलत हो तो उसकी हार होना तय है। वन मैन आर्मी फिल्म में जैसी रॉनी अकेले ही पूरी आर्मी से लड़ लेता है और अपने गुस्से को सही जगह निकालता है और दुश्मनों को खत्म करके खड़ता है, तो यदि आपने ऐसा जुनून है या आप ऐसा जुनून होल्ड करते हैं, अपने अंदर रखते हैं, तो आपने सारे काम अकेले ही कर लिए होते हैं, तो आप भी रॉनी की तरह वन मैन आर्मी है। गुड फ्रेंड या लवर फिल्म में जैसे पार्ट वन और टू में दिखाया कि श्रद्धा कपूर से ब्रेकअप के बाद भी उनके पिता सुनील ग्रोवर के कहने पर रॉनी श्रद्धा को बचाने के लिए सिंगापुर जाता है और अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मनों से लड़ता है, और ऐसे ही पार्ट टू में दिशा के कहने पर आर्मी से छुट्टी लेके गोवा आ जाता है। तो यदि आपके जीवन में दोस्त इतने इम्पोर्टेंट हैं जिनके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आप भी रॉनी जैसे ही हैं इमोशनल। यदि आप नेचर वाइज थोड़े इमोशनल हैं, फैमिली के लिए थोड़े सेंसिटिव हैं और फैमिली मेंबर्स की प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जैसे बागी 3 में रॉनी अपने भाई के लिए था जिसके लिए पूरे देश की आर्मी से वो अकेला ही लड़ जाता है और अपने, तो आप भी रॉनी के किरदार के लिए फिट बैठते हैं। पार्टी लवर यदि आपको रेगुलर पार्टी करना और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना पसंद है और नए दोस्त बनाना भी आपको अच्छा लगता है, तो आप बिल्कुल ही रॉनी के जैसे हैं। डिसिप्लिन्ड लाइफ यदि आप डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना पसंद करते हैं और साथ में हेल्दी फूड और रेगुलर वर्कआउट करना पसंद करते हैं, तो आप रॉनी के जैसे ही हो। ट्रूथ लवर यदि आप सच के साथ जिंदगी जीते हैं और सच के लिए आप अकेले लड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं और अपने रिलेशन, जॉब या दोस्ती को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच डिप्लोमेटिक नहीं रहते और आपकी एक अपनी खुद की सोच है और आप अपनी खुद की सोच होल्ड करते हैं, तो आप भी रॉनी के जैसे हैं। सोशल बट नॉट सेल्फिश यदि आप सिर्फ खुद के बारे में सोचने के साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचते हैं और मुश्किल वक्त में दूसरों के काम भी आते हैं, तो आप रॉनी के जैसे हैं। ये थी रॉनी की कुछ क्वालिटीज। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कितनी आपसे मिलती हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिएगा। मिलती हूँ अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारी वीडियो को। क्यों हुए टाइगर अलर्ट? कौन है शिफोजी शौर्य? कैसे निकले शौर्य अपनी ही कंट्रोवर्सी से? सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। और आज हम फिर बात करेंगे अहमद खान डायरेक्टर मूवी बागी 4 की। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये मूवी 2023 के शुरुआत में सिनेमाघरों में आएगी और इसकी शूटिंग भी 80% लगभग हो चुकी है। और 2023 के शुरुआत में फिल्म में टाइगर के अलावा सारा अली खान होगी, साथ ही शौर्य भारद्वाज होंगे। इस फिल्म की शूटिंग की ज्यादातर भारत में ही हुई है, पर कुछ सीन्स विदेशी में भी शूट किए गए हैं। फिलहाल टाइगर अपने आने वाली फिल्म गणपत के प्रमोशंस में बिजी हैं, इसलिए हो सकता है इस फिल्म के रिलीज के बाद वे बागी 4 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकते हैं। इस साल आई उनकी मूवी हीरोपंती 2 फ्लॉप हो गई है, जिससे अब टाइगर और ज्यादा अलर्ट हो गए हैं और अब वे फिल्म को साइन करने से पहले बहुत गंभीरता से स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे। हीरोपंती 2 के फ्लॉप हो जाने से ये बात तो पक्की है, अब इसके आगे के पार्ट्स नहीं आएंगे।
दोस्तों, फिल्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे बहुत से लोगों को नई पहचान मिलती है। ऐसे तो फिल्म मेकिंग में बहुत से लोग काम करते हैं और हम फिल्मों में बस उन्हीं को जानते हैं जो कैमरे के सामने होते हैं। फिल्म बागी से बहुत से कलाकारों को नई पहचान मिली है और उन्हीं में से एक है बुलंद आवाज, टफ पर्सनालिटी वाले ग्रैंड मास्टर शिफूजी शौर्य भरद्वाज। ये बागी और बागी 2 का हिस्सा थे। बागी में रोनी के गुरु और बागी 2 में रोनी के सीनियर का रोल निभाया था। वैसे तो ये एक अच्छी और समग्र फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पिता रुद्रभन के भरद्वाज एक जाने माने पहलवान थे, साथ ही वे गन कैरेज फैक्ट्री में कर्मचारी भी थे। इनकी माँ एक टीचर थी जो गरीब बच्चों को शिक्षा देती है। इनके एक भाई भी हैं जो कि आर्मी में है और एक बहन है और ये घर में सबसे छोटे हैं। इनका विवाह 8 फरवरी 1991 में हुआ था और इनकी स्पाउस का नाम है स्वर्णिम आरती तिवारी एस भरद्वाज है। इनके 4 बच्चे हैं और शौर्य वर्तमान में कमांडो ट्रेनर, एक्शन डिजाइनर, एक्शन ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच ऑफ इंडियन एंड इजराइल फाइटिंग सुपरस्टार्स आदि के लिए जाने जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि बागी से ही उन्हें बॉलीवुड में ब्रेक मिला है, बल्कि वे पिछले 20 साल से बॉलीवुड और हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग बहुत सी मूवीज जैसे मॉर्टल कम्बैक, द बर्नी सुपर में से बाहुबली, बागी एंड अदर्स के एक्शन सीन्स के लिए दी है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से एक्टर्स जैसे इजराइल एक्ट्रेस गलित जायट, अजय देवगन, रोहित शेट्टी, काजोल देवगन, टैगी श्रॉफ, अहन शेट्टी, जॉन इब्राहिम, सुधीर बाबू, श्रद्धा, लीजा रे, अमित ठाकरे, नूरा फतेही एंड वरिंदर सिंह घुमान एक्सेट्रा को मेंटरशिप और एक्शन सीन्स के लिए ट्रेनिंग किया है। और इसके अलावा वे बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिनमें से कुछ मुख्य प्रोग्राम्स के नाम हैं मिट्टी सिस्टम, SASS 9, मिशन परिहार और जय हिंद ब्रो एक्सेट्रा। इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू वो लाखों लोगों को आर्मी के लिए ट्रेन कर चुके हैं। और उनके लाइफ की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यही थी कि उनकी आइडेंटिटी ग्रैंड मास्टर शिफूजी सही है या नहीं, जिसके लिए उनके खिलाफ केस फाइल किया गया था कि क्या शिफूजी नाम का कोई आदमी आर्मी में था, जिसमें आर्मी वाले ने साफ मना कर दिया था कि हमारे डिपार्टमेंट में इस नाम का कोई कमांडर नहीं था, जिसमें शौर्य ने दावा किया कि उन्होंने आर्मी में भी कभी काम नहीं किया था और बस आर्मी ऑफिसर को ट्रेन किया था, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम के लंबे इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको क्लीन चिट दे दी थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो ये हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं। अब हम लेते हैं इजाजत, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहें, सेफ रहें, बने रहें मेरे साथ। का फिल्म का फाइनेंशियल एडवाइजर, क्या साउथ की एक्ट्रेस होंगी फिल्म का हिस्सा? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म डायरेक्टर और कोरियोग्राफर अहमद खान के निर्देशन में बनने वाली फिल्म बागी 4 को लेकर इस फिल्म सीरीज के फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। फिल्म में बॉलीवुड के एक्शन सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ लीड रोल में अपना शानदार अभिनय और एक्शन स्टंट से ऑडियंस का दिल जीतते हुए नजर आएंगे। टाइगर इससे पहले भी बागी सीरीज की पिछली सभी फिल्मों में लीड रोल में काम कर चुके हैं और अब बागी 4 उनकी बागी सीरीज की चौथी फिल्म होगी। वहीं बात करें अगर फिल्म में नजर आने वाली लीड एक्ट्रेस की, तो आपको बता दें कि जहां तक बागी सीरीज की पहली सीरीज में श्रद्धा कपूर नजर आई थी, बागी 2 में टाइगर श्रॉफ की रूमर्ड गर्लफ्रेंड दिशा पाटानी और बागी 3 में एक बार फिर श्रद्धा कपूर नजर आई थी, वहीं अब बागी 4 में बॉलीवुड की इन दोनों एक्ट्रेस सहित कोई और भी एक्ट्रेस नजर नहीं आएगी, क्योंकि अब मेकर्स ने इस फिल्म में टॉलीवुड की एक्ट्रेस की एंट्री करने जा रहे हैं। मेकर्स ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर साउथ की कोई एक्ट्रेस फिल्म का हिस्सा होगी, तो ऐसे में साउथ की ऑडियंस भी इस फिल्म को देखने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगी। साउथ की एक्ट्रेस को कास्ट करना फिल्म के लिए कई मायनों में फायदेमंद साबित होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि मेकर्स ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर और सुंदर एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को फिल्म बागी 4 में फीमेल लीड रोल में काम करने के लिए अप्रोच किया है। हालांकि मेकर्स ने फिल्म की फीमेल लीड को लेकर अभी तक कोई फाइनल अनाउंसमेंट नहीं किया है। अब देखना ये होगा कि मेकर्स की साउथ की ये सुंदरी बॉलीवुड की दीवा में से किसे अपनी फिल्म के लिए चूज करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि मेकर्स ने फिल्म में होने वाले सभी एक्सपेंसेस पर नजर रखने के लिए
और कहां पर किस हिसाब से कितना एक्सपेंस किया जाए, इन सब चीजों का ध्यान देने के लिए मेकर्स ने एक फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर किया है। फिल्म के इस एक्स्ट्रा क्रू का हिस्सा होने वाली अदिति सेखरी फिल्म में होने वाले सभी एक्सपेंसेस को लेकर मेकर्स को एडवाइस देंगी। वो इससे पहले भी कई फिल्मों में फाइनेंशियल एडवाइजर का काम कर चुकी है और उनके द्वारा दी गई एडवाइसेस फिल्मों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई है। अहमद खान के निर्देशन में बनने वाली ये फिल्म अगले साल के अंत तक सिनेमाघरों में रिलीज की जा सकती है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिल्मी दुनिया के सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियो से। यहाँ हम आपको देंगे बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड फिल्मों की एक एक खबर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को कीजिए लाइक और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप श्रद्धा को एक्शन स्टंट परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं। क्या होता है, डायरेक्टर भी इम्पोर्टेंट फिल्म में? कैसे बचे अहमद खान मौत से? कहां पे होना है बागी 4 का शूट? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। जागो राके साया मार सके ना कोई। दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज में एक नई वीडियो के साथ और आज फिर हम बात करेंगे टाइगर और सारा की अपकमिंग मूवी बागी 4 से जुड़ी और भी कई बातों के बारे में। किसी भी फिल्म को सक्सेस बनाने के लिए सिर्फ स्टार्स या एक्टर्स ही जिम्मेदार नहीं होते हैं, उसके पीछे की टीम भी उतनी ही मेहनत करती है जितना की बाकी एक्टर्स, जिसका जिक्र हम बहुत ही कम करते हैं या ऑफ कोर्स करते ही नहीं है। हीरो के अलावा फिल्म के डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर का भी उतना ही महत्व होता है। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बागी सीरीज के डायरेक्टर अहमद खान के बारे में, जिनके बेहतरीन डायरेक्शन के कारण बागी सीरीज एक सक्सेसफुल सीरीज बन गई। वैसे बॉलीवुड में अहमद खान की पहचान एक कोरियोग्राफर के लिए ज्यादा है और कम ही फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया है। ये बात अलग है कि उनको उसमें भी अच्छी सफलता मिल गई। अहमद खान का जन्म 3 जून 1974 को पुणे में हुआ था और बॉलीवुड में उन्होंने अपने डेब्यू फिल्म मिस्टर इंडिया में चाइल्ड आर्टिस्ट से किया था। उसके बाद उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्म जैसे ताल, पाठशाला और गजनी फिल्म में कोरियोग्राफी की। वो बहुत से डांस शो को भी जज कर चुके हैं और वो डांस शो को भी इतनी अहमियत नहीं देते, इसीलिए 3 साल में एक शो जज करते हैं। भगवान की उन पर बड़ी मेहरबानी है, इसीलिए वो 2 बार मौत के मुंह से बच निकले। पहली बार सितंबर 11 के 2 दिन पहले तक वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शूट कर रहे थे और दूसरी बार 2004 में आई सुनामी में वो उसी होटल में रुके थे जहां सुनामी से तबाही मच गई थी और वो होटल भी तबाह हो गया था, पर उन्होंने आखिरी मिनट में ट्रिप को कैंसिल कर दिया था। उनके अभी तक के सफर में भी उन्होंने बहुत से अवार्ड्स अपने नाम कर लिए हैं, आईफा अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड्स, AIBA अवार्ड्स, SICA अवार्ड्स, इंडियन फिल्म्स एंड टेलीविजन कोरियोग्राफर एसोसिएशन अवार्ड ऑफ 2016, स्टार स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट एक्शन, जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट एक्शन, पावर ब्रांड ज्यूरी अवार्ड फॉर जी एक्शन, जी बिजनेस अवार्ड, इनमें से कुछ फेमस अवार्ड के नाम है। अब बात करें बागी 4 की, तो सूत्रों से पता चल गया है कि फिल्म की पूरी शूटिंग भारत में ही होगी और सिर्फ कुछ गानों के लिए ही चाइना की शंघाई शहर को चुना गया है, जिसमें फिल्म का टाइटल ट्रैक भी शामिल है। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में। हम बात करने वाले हैं फिल्म बागी 4 की। जी हाँ दोस्तों, बागी 4 से रिलेटेड कई सारी खबरें हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं और अब मैं आ चुकी हूँ आप सबके बीच नई खबरें लेकर। सुनने में आया है साजिद नाडियाडवाला की कंपनी नाडियाडवाला ग्रैंड सन एंटरटेनमेंट ने प्राइम वीडियोस के साथ हाथ मिला लिया है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि हमें ये फिल्म अब अमेज़न प्राइम वीडियोस पर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ फिल्म की कास्ट अभी फाइनल नहीं हुई है। फिल्म की हीरोइन के लिए सबसे पहला नाम सामने आ रहा है, वो है सारा अली खान का। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए सारा अली खान का नाम सामने आ रहा है और इस फिल्म में हमें सारा अली खान के दिखाई देने की बहुत उम्मीद है।
सारा अली खान का जन्म 1995 में हुआ था। ये अमृता सिंह और सैफ अली खान की बेटी है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद 2018 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी दो बड़ी फिल्मों से, केदारनाथ और सिम्बा। दोनों ही सुपरहिट गई और इसी के साथ इन्होंने अपने नाम कर लिया था फिल्म फेयर अवार्ड। 2019 की फोर्ब्स 100 सेलिब्रिटी लिस्ट में भी सारा अली खान का नाम आ चुका है और इसी के साथ सारा अली खान इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस में से एक है। सारा अली खान इस समय बहुत फेमस हैं और सारा अली खान के अभी दो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लाइंड अप हैं। जी हाँ दोस्तों, उनमें से एक है विक्की कौशल स्टारर द इमॉर्टल अश्वत्थामा। वो इन दोनों की ही शूटिंग में बिजी हैं और जल्द ही हमें ये दोनों प्रोजेक्ट्स भी बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। इसी के साथ साथ बागी 4 की ऑफिशियल कास्ट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन सुनने में तो यही आ रहा है कि हमें हीरोइन के रूप में सारा अली खान ही नजर आएंगी। सारा अली खान और टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में साथ नजर आएंगे और इस फिल्म को हिट करेंगे। अब देखना ये है कि ये फिल्म हिट होती है या नहीं। क्या सारा अली खान फिर से ऑडियंस पे अपना जादू चला पाएंगी, वो तो अब आगे ही पता चलेगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सबसे विदा। फिर मिलेंगे यही इसी चैनल पर। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कौन है राधिका हमशकर? क्या है कहानी बागी 4 की? कौन गाने वाला है बागी 4 का आइटम नंबर? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आचल वर्मा, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में। ये जो तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है। इतने खड़क और टफ पर्सनालिटी वाले टाइगर वैसे तो आए दिन खबरों में बने रहते हैं, पर इस बार मैं अपनी फिल्म बागी के चौथे पार्ट के लिए सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं क्या है ऐसी खास खबर टाइगर की। बागी 4 की वैसे तो सभी इंतजार कर रहे हैं और फिल्म का बजट, लोकेशन, स्टार कास्ट सब फाइनल हो चुका है और फिल्म की स्क्रिप्ट राइटिंग भी खत्म हो गई है और शूट भी शुरू हो चुकी है और खत्म होने की कगार में है। तो आपको बता दें क्या होने वाली है फिल्म का प्लॉट। बात करें फिल्म के प्लॉट की तो इस बार अहमद खान करने वाले हैं थोड़ा सा कॉपी दूसरी फिल्म से जो कि टाइगर की ही मूवी है। जी हाँ दोस्तों, बागी 4 में दिखने मिलने वाले हैं रॉनी का डबल रोल। वैसे तो डबल रोल वाली बहुत सी मूवीज आ चुकी है जिसमें दोनों रोल अंत में एक दूसरे के साथ मिलकर दुश्मनों से लड़ते हैं, पर इस मूवी में रॉनी ही रॉनी के खिलाफ लड़ेगा। टाइगर का डबल रोल वैसे तो उनकी मूवी वॉर में भी देखने को मिला था। फिल्म के आखिरी में पता चलेगा दूसरे रॉनी का सच और क्या वो बना असली रॉनी का दुश्मन। हमारी खबरों से पता चला कि बागी 4 की कहानी काफी सिंपल होने वाली है। ये कहानी रेड अलर्ट एरियाज पर बेस्ड होगी जिसमें रॉनी उन एरियाज में अपना बिजनेस करता है और अपना सामान आस पास की जगह में भी सप्लाई करता था, पर एक बार एक लड़की उन एरियाज से गायब हो जाती है, शायद किडनैप हो जाती है, जिस पे वे लोग पुलिस की मदद मांगते हैं पर वे मदद नहीं करती है। पर वे लोग रॉनी से काफी घुले मिले रहते हैं, इसलिए वो रॉनी से उस लड़की का पता लगाने के लिए बोलते हैं, जिस पे रॉनी का बागी का सफर शुरू होता है और धीरे धीरे वो किडनैपर के सरदार के पास पहुंच जाता है और लड़की को बचा के वापस ले आता है। कहानी भले ही सिंपल हो पर अहमद खान पक्का इसको प्रेजेंट करेंगे एक शानदार तरीके से। फिल्म में एक आइटम सॉन्ग भी रखा गया है जो कि प्रियंका चोपड़ा या नौरा फतेही पे आधारित होगा। इस गाने को नेहा कक्कर गाने वाली है। फिल्म की शूटिंग किसी रेड अलर्ट एरियाज में होगी या उसका वैसा सेट तैयार किया जाएगा उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इस कहानी में सारा का किरदार भी अभी निश्चित नहीं है। क्या वे अपहरण हुई लड़की का ही रोल करेगी या फिल्म में दिखने वाला है कोई और ट्विस्ट एंड टर्न, ये तो वक्त ही बताएगा। तो क्या है सारा का रोल मूवी में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी मूवी से जुड़ी कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और बने रहें बॉलीवुड स्टूडियो से। नमस्कार। होती है बागी फ्रेंचाइजी की फिल्मों की शूटिंग। कब से शुरू होगी बागी 4 पर काम? कैसा होगा टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी की जोड़ी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आंचल वर्मा, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में।
सबकी आती नहीं मेरी जाती नहीं। हीरोपंती में टाइगर श्रॉफ का ये फेमस डायलॉग तो आप सबको याद ही होगा। 2014 में फिल्म हीरोपंती से बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने वाले टाइगर श्रॉफ ने अपनी डेब्यू मूवी में फैंस को अपने स्टंट्स का दीवाना बना लिया। उनकी फैन फॉलोइंग तो उनकी फर्स्ट मूवी के साथ ही बढ़ गई थी। आपको बता दें कि हीरोपंती में टाइगर श्रॉफ के अपोजिट कृति सैनन नजर आई थी। बागी फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म बागी 2016 में रिलीज हुई थी और ऑडियंस ने इस मूवी को काफी पसंद किया। अब अगर बात करें बागी फ्रेंचाइजी के फिल्मों के शूटिंग लोकेशंस की, तो इस फ्रेंचाइजी की फर्स्ट मूवी बागी की शूटिंग इंडिया और थाईलैंड में पूरी की गई थी। इस एक्शन थ्रिलर मूवी के कुछ सीन्स केरला में शूट किए गए थे और इस मूवी के फाइट सीक्वेंसेस को थाईलैंड में क्रावी आइलैंड में शूट किया गया। बागी की शूटिंग पूरी होने में 10 महीने का टाइम लगा। वहीं बागी 2 का शूट मुंबई में एक सेट से शुरू किया गया। इस मूवी के कुछ सीन्स पुणे की एक यूनिवर्सिटी में भी शूट किए गए और आगे की शूटिंग को मनाली, थाईलैंड, चीन, गोवा और लद्दाख में पूरा किया गया। अब अगर बात करें बागी 3 की शूटिंग के बारे में, तो इस मूवी की शूटिंग को सर्बिया में पूरा किया गया। डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि हम सीरिया में शूट करना चाहते थे, मगर अब वो इस फिल्म की शूटिंग सर्बिया से पूरी करेंगे। खबरों के माने तो बागी 4 की शूटिंग इंडिया में भी होगी। बागी 4 की शूटिंग बाकी की शूटिंग डिटेल्स को लेकर कोई खास खबर नहीं मिल पाई है। बागी 4 के लिए दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत जैसे नाम भी लिए जा रहे हैं, मगर हम आपको बता दें कि इस मूवी में टाइगर श्रॉफ के साथ दिशा पटानी या श्रद्धा कपूर नजर आ सकती है। अभी इसकी स्टार कास्ट को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई। आप बागी 4 में टाइगर श्रॉफ के साथ किसको देखना पसंद करेंगे, दिशा पटानी या श्रद्धा कपूर? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलें, जिससे हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होते रहें। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार। कौन सिखाएगा टाइगर को स्टंट्स? क्या श्रद्धा भी करेंगी एक्शन सीन्स? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म बागी 4 इन दिनों लगातार सुर्खियों में छाई हुई है। फिल्म को लेकर टाइगर श्रॉफ के फैंस और इस बागी फिल्म सीरीज के फैंस आए दिन फिल्म से जुड़ी बातें जानने की कोशिश में लगे रहते हैं। फैंस बागी सीरीज के चौथे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर और सक्सेसफुल फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्म डायरेक्टर अहमद खान फिल्म की निर्देशन की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। फिल्म की स्टार कास्ट में बॉलीवुड के एक्शन सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ और बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन श्रद्धा कपूर फिल्म के लीड रोल में अभिनय करते हुए नजर आ सकते हैं। इससे पहले भी टाइगर और श्रद्धा की ये जोड़ी बागी सीरीज की ही पहली फिल्म बागी और उसके बाद बागी 3 में साथ काम करते हुए नजर आए थे और अब एक बार फिर ऑडियंस को श्रद्धा और टाइगर की ये शानदार जोड़ी बड़ी स्क्रीन पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल फिल्म मेकर्स की स्क्रिप्टिंग में बिजी हैं। स्क्रिप्ट कंप्लीट होते ही वो फिल्म की शूटिंग शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले ही मेकर्स ने फिल्म के स्टार कास्ट के लिए विशेष इंतजाम किया है और ये विशेष इंतजाम उनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के साथ साथ फिल्म में ओरिजिनलिटी लाने के लिए भी काफ़ी है। जैसे कि हम सबको पता है कि बागी एक एक्शन फिल्म सीरीज है और इसमें ऑडियंस को भरपूर एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ये एक्शन सीन्स परफेक्ट हों और सीन्स करते टाइम एक्ट्रेस हर्ट भी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने फिल्म के लीड हीरो टाइगर श्रॉफ के लिए स्टंट कोच हायर कर दिया है, जो कि टाइगर को स्टंट करना सिखाएंगे। वैसे तो टाइगर को स्टंट परफॉर्म करने में महारत हासिल है, लेकिन कुछ नए और यूनिक एक्शन सीन्स परफॉर्म करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है और उसी ट्रेनिंग के लिए मेकर्स ने लक्ष्मण चेला, मिलन अलावांजा और डैलिबोर कॉस्टिक को हायर किया है। ये लोग सिर्फ टाइगर को ही नहीं बल्कि श्रद्धा को भी स्टंट परफॉर्म करने की ट्रेनिंग देंगे। जहां एक और श्रद्धा बागी सीरीज की पिछली फिल्मों में डरी, सहमी और नॉर्मल एक्शन सीन्स के साथ नजर आई थी, अब वो उससे एक कदम ऑपोजिट खतरनाक एक्शन करती हुई नजर आ सकती हैं। श्रद्धा का ये संत से शैतान वाला कैरेक्टर शायद ऑडियंस को बेहद पसंद आए। टाइगर और श्रद्धा स्टारिंग ये फिल्म अगले साल के अंत तक यानी 2023 के अंत तक सिनेमाघरों में रिलीज की जा सकती है। OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी फिल्म।
हरियाणा का कलाकार करेगा फिल्म में काम। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैंड स्टूडियोज में। बागी सीरीज बॉलीवुड की उन पॉपुलर एक्शन फिल्म सीरीज में से एक है जिन्हें ऑडियंस ने दिल खोलकर प्यार दिया है और फुल सपोर्ट किया है। ऑडियंस द्वारा मिले इस सपोर्ट और ढेर सारे प्यार की वजह से ही इस सीरीज की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई करने में सफल रहती हैं। खबर है कि बागी सीरीज की चौथी फिल्म यानी बागी 4 को लेकर फिल्म के मेकर्स जल्दी ही काम शुरू कर सकते हैं। फिल्म में एक बार फिर एक्शन सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ मेन लीड में अपने शानदार सीन्स और दमदार अभिनय से ऑडियंस का दिल जीतते हुए नजर आएंगे। वही बात करें अगर फिल्म की फीमेल लीड एक्ट्रेस की, तो आपको बता दें कि बॉलीवुड की सुंदरी और ब्यूटी विद ब्रेन के नाम से पॉपुलर रहने वाली एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर फिल्म में फीमेल लीड रोल में नजर आ सकती हैं। फिल्म में टाइगर एक शानदार लुक में नजर आएंगे। फिल्म में टाइगर और श्रद्धा एक साथ कई और सितारे भी नजर आ सकते हैं। फिल्म में काम करने वाले सपोर्टिंग एक्टर्स में इस समय अजय सिंह का नाम चर्चाओं में है। अजय हरियाणा के एक सिंगर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं और हरियाणा की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनका काफी नाम है। वो अब इस फिल्म बागी 4 के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। अब वो फिल्म में किस रोल में नजर आएंगे ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मेकर्स ने अभी इस बात को लेकर कोई भी कन्फर्मेशन नहीं दी है। साजिद नाडियाडवाला ग्रैंड सन प्रोडक्शन हाउस के तले बन रही ये फिल्म अगले साल यानी 2023 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगी। ऐसे में फिल्म के रिलीज को लेकर कई बड़ी और नई खबरें सामने आ रही हैं। खबरों की माने तो मेकर्स फिल्म को अब सिनेमा घरों में नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ये सभी खबरें एकदम बेसलेस हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम के साथ एक डील साइन की है जिसमें उनके प्रोडक्शन के तले बनी हुई फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने के कुछ महीने बाद उनके OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएंगी। तो अब आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि अब आप अपने फेवरेट बागी को सिनेमाघरों में एक्शन सीन करते हुए देख पाएंगे। अहमद खान के निर्देशन में बनने वाली ये फिल्म अगले साल के अंत तक सिनेमाघरों में रिलीज की जा सकती है और सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पर भी रिलीज की जाएगी। आज की दुनिया में बस इतना ही। फिल्मी दुनिया की सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज से। यहां हम आपको देंगे बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड फिल्मों की एक एक खबर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को कीजिए लाइक और हमें कमेंट करके बताइए कि आप ये फिल्म कहाँ देखना पसंद करेंगे। कैसा होगा बागी 4 का अंजाम? क्या लोग कर रहे हैं टाइगर की फिल्म को ट्रोल? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आंचल वर्मा, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मुझ पे आती तो मैं छोड़ देता, मेरे भाई पे आती तो मैं फोड़ देता, ये डायलॉग तो हम सब ने सुना ही हुआ है टाइगर की जुबान से। एक्टर और डांसर टाइगर श्रॉफ ने अपने अमेजिंग डांस मूव्स से फिल्म देखने वालों के दिलों में लुभाना कामयाबी हासिल की है। उन्होंने 2014 में एक एक्शन कॉमेडी फिल्म हीरोपंती के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि एक्टर को साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म बागी के लिए काफी सराहना मिली। सुपरहिट फिल्म में टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिका में थे। बाद में दो सीक्वल बागी 2 और बागी 3 को भी 2018 और 2020 में रिलीज किया गया। टाइगर की एक्टिंग स्किल्स के अलावा उनके डायलॉग्स भी उनके फैंस के बीच काफी पॉपुलर हैं। अब टाइगर वापस एक बार आ रहे हैं बागी 4 के साथ, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं अहमद खान। अब क्या ये एक्टर और डायरेक्टर की जोड़ी कमाल दिखा पाएगी? वैसे देखा जाए तो दोनों ही बेहतरीन है अपने अपने काम में। अहमद और डायरेक्टर की इस जोड़ी में अब उनके फैंस काफी उम्मीद कर रहे हैं। वही कई प्लेटफॉर्म्स पर उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि फिल्म में टाइगर यानी बागी के अपोजिट दिखेंगे सारा अली खान और इन दोनों की जोड़ी को हम देखेंगे साथ में पहली बार। अब बाकी कास्ट तो रिवील नहीं की है, क्या हमें कुछ अलग देखने को मिलेगा बागी 4 में? क्या इस बार कमाल दिखा पाएगी ये एक्टर और डायरेक्टर की जोड़ी? ट्रोलिंग से बच पाएंगे टाइगर? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या फिल्म में नहीं यूज हुआ था VFX का? आगे क्यों है टाइगर श्रॉफ बागी के एक्शन हीरो? जानेंगे इन्हीं तमाम सवालों के जवाब और कहां बल्कि अपनी आज की इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेस वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों बागी फ्रेंचाइज जो है वो टाइगर के फिल्मी करियर की वन ऑफ द मोस्ट मतलब टॉप रेटेड फिल्मों में से एक मानी जाती है। वहीं ये फ्रेंचाइज बॉलीवुड की भी काफी पॉपुलर फ्रेंचाइज है। ऐसे में इस फ्रेंचाइज के ऑलरेडी 3 पार्ट तो आ ही चुके हैं और जल्द ही इसके चौथे पार्ट में हमें नजर आने वाले हैं टाइगर श्रॉफ।
जी हाँ दोस्तों, वैसे टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड इंडस्ट्री के वो स्टार किड है जो अपने पापा की परछाई पे चलते हुए दिखते हैं। अब इसका एक एग्जांपल है मेरे पास। देखिए, हवा में तो मुझे भी बातें करना अच्छा नहीं लगता। देखिए, इसका एक एग्जांपल देखने को मिलता है हमें बागी 3 के एक सीन में। इस सीन में दरअसल टाइगर जो है वो जंकयार्ड में गाड़ियों के बीच में से भागते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं ऐसे ही सिमिलर सीन की, तो वो हमें देखने को मिला था टाइगर के पिता जैकी श्रॉफ की फिल्म शपथ में, जहां वो फिल्म के क्लाइमेक्स में ऐसे ही दीवार के साइड से भागते हुए नजर आ रहे थे। दोस्तों, टाइगर और जैकी दोनों को ही एक्शन फिल्म्स काफी ज्यादा पसंद है। बस इसीलिए टाइगर ने अपने पिता का सपना पूरा करते हुए अपने आप को एस्टैब्लिश किया है बॉलीवुड के यंग एक्शन हीरो के रूप में। मैं आपको ये भी बता दूं कि उनकी ये सारी चीजों का क्रेडिट जाता है उन्हें खुद को और कहीं ना कहीं बागी फ्रेंचाइज को भी। दरअसल यही वो फिल्म थी जिससे उनके एक्शन सीन्स की ग्रोथ हुई थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि फिल्म से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात मेरे हाथ ये लगी है कि फिल्म में जो एक्शन सीक्वेंसेस थे वो 85% ओरिजिनल थे, वहीं सिर्फ 15% ही VFX का यूज किया गया था। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कहना है फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान का। उन्होंने बताया कि फिल्म में जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस किए गए उसमें से ज्यादातर बिल्कुल रियल थे। मैं आपको बता दूं कि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि बागी में जिस लेवल के एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए थे उनको मतलब असली में फिल्माया गया हो। अब इंडियन सिनेमा में भी काफी सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ज्यादातर मतलब VFX का ही रुख करते हैं इतने दमदार एक्शन सीक्वेंसेस को शूट करने के लिए। लेकिन आप और हम तो जानते ही हैं कि बागी बिल्कुल अलग ही है, वो हमेशा कुछ हटके दिखाती है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि हमें बागी 4 में क्या हटके दिखता है। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं इस फील्ड में हमारे साथ, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। चलिए, लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। है दुश्मनों का प्लान, क्या टाइगर वायरस का एंटीडोट बना पाएंगे? जानेंगे इन्हीं तमाम सवालों के जवाब, और कहा दोस्तों बल्कि अपनी आज की इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे चाइना की एक लैब में हुई गड़बड़ी की वजह से रेफिकल वायरस पूरे चाइना में फैल जाता है और चाइना से फैलते फैलते वायरस इंडिया पहुंच जाता है, और जब इसकी खबर भारत सरकार को लगती है तब वो देश के टॉप साइंटिस्ट की एक टीम बनाकर इस वायरस की वैक्सीन को बनाने का काम उन्हें सौंप देते हैं, जिसमें हमारे टाइगर श्रॉफ भी शामिल होते हैं, जो भारत सरकार को वादा कर देते हैं कि वैक्सीन जल्द से जल्द बन जाएगी। अब इसके आगे की कहानी सुनिए ना, ऐसे कैसे बीच में छोड़ दो। दरअसल भारत सरकार से वादा करने के बाद साइंटिस्ट की टीम रेफिकल वायरस का एंटीडोट बनाने के काम पर लग जाती है, लेकिन किसी भी वायरस का एंटीडोट बनाने से पहले वो वायरस कैसे बना है इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी ये रेफिकल वायरस कैसे बना ये दुनिया में किसी को नहीं पता होता, सिवाय चाइना की उस लैब के, और वहां से कुछ भी पता करना मुश्किल है। इसलिए इंडिया ने अपने डिटेक्टिव्स जो चाइना में मौजूद थे उन्हें एक्टिवेट किया और ये वायरस कैसे बना ये जानने के लिए कहा गया, ताकि जल्द से जल्द इसका एंटीडोट बन सके। इसके बाद इंडियन जासूस ने अपने नेटवर्क की मदद से वायरस कैसे बना ये पता लगाया। दरअसल ये वायरस किसी केमिकल के ऊपर एक्सपेरिमेंट में हुई गड़बड़ी की वजह से बन गया, और ये वायरस जहां लोगों की ज्यादा भीड़ होती है वहां तेजी से फैलता है। ये जानकारी जैसे ही इंडियन साइंटिस्ट की टीम को मिली, उन्होंने डिफरेंट फॉर्मूला यूज करके वायरस का एंटीडोट बनाने की कोशिश शुरू कर दी, पर उन्हें भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ देश के दुश्मनों ने इंडिया में धर्म के नाम पर माहौल खराब करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से जगह जगह पर दंगे फसाद भी शुरू हो गए थे, जिसे देखते हुए भारत सरकार ने तुरंत हिंसा हो रहे इलाकों में पुलिस तैनात कर दी ताकि दंगे ज्यादा ना भड़के। पुलिस के इलाके में आने के बाद दंगे होने लगभग बंद हो गए। अब भाई दुश्मनों को अपना प्लान फेल होता नजर आ रहा था,
तभी उन्हें पता चलता है कि भारत वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो उन्होंने इसका फायदा उठाने की कोशिश की और वैक्सीन को लेकर भारत के अंदर ये फेक न्यूज फैला दी कि इससे लोग मर रहे हैं। और ये झूठी खबर आग की तरह फैल गई और फिर एक बार दंगे होने शुरू हो जाते हैं, जिसे पुलिस भी कंट्रोल करने में नाकाम हो जाती है। और दंगों में ज्यादा भीड़ आने की वजह से जहां एक दिन में 1000 केस आ रहे थे, वहीं पर अब ये आंकड़ा बढ़कर 1,00,000 को पार कर गया होता है, जिसके चलते हेल्थ केयर सिस्टम पर काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा था। अब एक तरफ दुश्मन अपने मकसद में कामयाब हो रहा है तो दूसरी तरफ वायरस इन्फेक्टेड लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब इसके आगे की कहानी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन तब तक आप हमें ये जरूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि टाइगर आखिर ऐसा क्या रामबाण देंगे जिससे ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगी। चलिए लेती हूँ आप सभी से विदा। आप लोग ना इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए ना हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। टाइगर ने दिशा अपने बारे में क्या दिशा दिखाई देगी बागी 4 में, कैसा होगा दिशा का रोल बागी 4 में। नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी वर्मा करती हूँ आप सभी का स्वागत बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर जरूर जाएं और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। तो हाल ही में हमें करण जौहर के शो कॉफी विद करण में नजर आए थे टाइगर श्रॉफ। आपको बता दें, टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी की डेटिंग की खबरें काफी लंबे समय से चलती आ रही हैं। वहीं दोनों ने आज तक इन र्यूमर्स पर ना तो हाँ कहा ना ही ना, और इसी वजह से ये र्यूमर्स बढ़ते ही जा रही हैं। लेकिन हाल ही में ये भी र्यूमर्स आए कि दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, दोनों अलग हो चुके हैं। आपको बता दें, दिशा पाटनी टाइगर श्रॉफ की फैमिली से भी काफी ज्यादा घुली मिली है, काफी ज्यादा ओपन है एक दूसरे की फैमिली से दोनों। साथ ही दोनों को कई बार स्पॉट किया जाता है इंटरनेशनल वेकेशंस पे। वहीं मुंबई में भी उन्हें अक्सर डिनर और लंच डेट्स पर जाते देखा जाता है। आपको बता दें, हाल ही में जब टाइगर श्रॉफ आए थे करण जौहर के शो पे, तो उन्होंने ये कहा जब करण जौहर ने उनसे पूछा कि क्या वो दिशा पाटनी को डेट कर रहे हैं या फिर क्या है उनका रिलेशनशिप स्टेटस, तो टाइगर श्रॉफ ने यही कहा कि मैं कई बार बोल चुका हूँ, मैं और दिशा बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे। इसके बाद जवाब में करण जौहर कहते हैं कि अच्छा, मुझे तो ये लगा कि मुंबई के एक रेस्टोरेंट को आपने अपना रेस्टोरेंट ही बना लिया था, क्योंकि हर रविवार आप दोनों वहां डिनर पे मुझे देखे जाते थे। इसके बाद टाइगर श्रॉफ ने बड़ी ही दृढ़ता से जवाब दिया कि मैं और दिशा सेम खाना खाना पसंद करते हैं, शायद इसलिए हम अक्सर जाते हैं डिनर्स पे। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों अब भी रिलेशनशिप में हैं या हो चुका है उनका ब्रेकअप। साथ ही आपको बता दें, बागी 4 के मेकर्स ने अनाउंस कर दिया है कि फिल्म में वो दिशा पाटनी को एक बहुत अहम किरदार देंगे। हालांकि वो लीड रोल नहीं होगा, दिशा पाटनी का फिल्म में कैमियो ही होगा, लेकिन वो काफी इम्पोर्टेंट कैमियो होगा। आपको क्या लगता है फिल्म के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे यही इसी चैनल पर। हमारे है दुश्मनों का प्लान, जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे चाइना की एक लैब में हुई गड़बड़ी की वजह से रेफिकल वायरस पूरे चाइना में फैल जाता है और चाइना से फैलते फैलते वायरस इंडिया पहुंच जाता है, और जब इसकी खबर भारत सरकार को लगती है तब वो देश के टॉप साइंटिस्ट की एक टीम बनाकर इस वायरस की वैक्सीन को बनाने का काम उन्हें सौंप देती है, जिसमें हमारे टाइगर श्रॉफ भी शामिल होते हैं, जो भारत सरकार को वादा कर देते हैं कि वैक्सीन जल्द से जल्द बन जाएगी। अब इसके आगे की कहानी हम आपको आज बताएंगे। भारत सरकार से वादा करने के बाद साइंटिस्ट की टीम रेफिकल वायरस का एंटीडोट बनाने के काम पर लग जाती है, लेकिन किसी भी वायरस का एंटीडोट बनाने से पहले वो वायरस कैसे बना है इसके बारे में पता होना जरूरी है। लेकिन अब ये रेफिकल वायरस कैसे बना ये दुनिया में किसी को नहीं पता, सिवाय चाइना के उस लैब के, और वहां से कुछ भी पता करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इंडिया ने अपने डिटेक्टिव जो चाइना में मौजूद थे उन्हें एक्टिवेट किया और ये वायरस कैसे बना ये जानने के लिए कहा गया, ताकि जल्द से जल्द इसका एंटीडोट बन सके। इसके बाद इंडियन जासूस ने अपने नेटवर्क की मदद से वायरस कैसे बना ये पता लगाया।
दरअसल ये वायरस किसी केमिकल के ऊपर एक्सपेरिमेंट में हुई गड़बड़ी की वजह से बन गया और ये वायरस जहां लोगों की ज्यादा भीड़ होती है वहां तेजी से फैल जाता है। ये जानकारी जैसे ही इंडियन साइंटिस्ट की टीम को मिली, उन्होंने डिफरेंट फॉर्मूला यूज करके वायरस का एंटीडोट बनाने की कोशिश शुरू कर दी, पर उन्हें कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ देश के दुश्मनों ने इंडिया में धर्म के नाम पर माहौल खराब करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से जगह जगह पर दंगे फसाद भी शुरू हो गए थे, जिसे देखते हुए भारत सरकार ने तुरंत हिंसा हो रहे इलाकों में पुलिस तैनात कर दी ताकि दंगे ज्यादा ना भड़के। पुलिस के इलाके में आने के बाद दंगे होने लगभग बंद हो गए। अब दुश्मनों को अपना प्लान फेल होते नजर आ रहा था, तभी उन्हें पता चलता है कि भारत वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो उन्होंने इसका फायदा उठाने की कोशिश की और वैक्सीन को लेकर भारत के अंदर ये फेक न्यूज फैला दी कि इस वैक्सीन के ट्रायल में लोगों की जान जा रही है, और ये झूठी खबर आग की तरह फैल गई और फिर एक बार दंगे होने शुरू हो जाते हैं, जिसे पुलिस भी कंट्रोल करने में नाकाम हो जाती है। और दंगों में ज्यादा भीड़ आने की वजह से जहां एक दिन में 1000 केसेस आ रहे थे, वहीं पर अब आंकड़ा बढ़कर 1,00,000 पार कर गया, जिसके चलते हेल्थ केयर सिस्टम पर काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा था। अब एक तरफ दुश्मन अपने मकसद में कामयाब हो रहा है, तो दूसरी तरफ वायरस इन्फेक्टेड लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अब इसके आगे की कहानी क्या होगा, ये हम आपको दूसरे आगे के वीडियो में बताएंगे। क्या जूते भी बेचेंगे टाइगर? किस ब्रांड के जूते पहनते हैं टाइगर अपनी फिल्मों में? क्या कहा टाइगर ने अपनी दूसरी एक्शन ट्रिक को लेकर? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट और पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। दोस्तों, ये गाना तो आपने सुना ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे टाइगर या बागी का क्या कनेक्शन है? तो कनेक्शन तो हम बना ही देंगे। जैसे बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ अब एक नए फुटवेयर ब्रांड से जुड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, टाइगर जापान की कंपनी A6 के एड फिल्म्स में नजर आने वाले हैं। जापानी कंपनी भारत में स्पोर्ट्स स्टाइल और एथलीटिक सेगमेंट में अपना प्रसार कर रही है। इस एसोसिएशन के साथ भारत में ग्लोबल # #IMoveMe कैंपेन को भी लॉन्च किया जाएगा, जो कंपनी की तरफ से जारी किया गया नया स्लोगन है, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। जी हाँ दोस्तों, टाइगर श्रॉफ इस ब्रांड को लेकर काफी उत्साहित है। उन्होंने कहा कि ये ब्रांड हमेशा मेरे साथ रहा है, चाहे वो जिम हो या छुट्टियों के दौरान या घूमते वक्त, मेरे साथ ये ब्रांड हमेशा रहा है। ये ब्रांड मेरे फैशन और फिटनेस के साथ बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। इस एसोसिएशन का उपयोग मैं ज्यादा से ज्यादा करना चाहता हूँ, जहाँ हम अधिक से अधिक लोगों को मूव करने और A6 द्वारा शुरू किए गए इस वैश्विक आंदोलन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों कि टाइगर जब भी कोई स्टंट करते हैं तो वो इसी ब्रांड के शूज पहनना पसंद करते हैं। ज्यादातर फिल्म्स की शूटिंग में जब एक्शन सीन्स होते हैं तो टाइगर इसी ब्रांड के शूज पहनते हैं। उनको लगता है किसी भी चीज को करने में सहज महसूस होना बहुत जरूरी है। अगर मेरा शूज ही सही नहीं होगा, मैं कभी एक्शन सीन को परफेक्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन 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 आप भी एक्शन सीन्स करने के लिए ये शूज मत ले लेना कि शूज ले लिए तो एक्शन सीन तो हो ही जाएगा। नहीं, इसके लिए टाइगर पूरी प्रैक्टिस भी करते हैं। वॉर हो या बागी के एक्शन सीन्स, ये सब में टाइगर ने इसी ब्रांड के शूज पहने हैं। ऐसे ही कुछ ब्रांड के जूते फिर से वो बागी 4 में पहने दिखेंगे। उम्मीद करते हैं अब की बार आप इसे जरूर नोटिस करेंगे। अगर अभी तक आपने उनकी फिल्मों में चेहरे के अलावा कहीं ध्यान नहीं दिया तो अब से आप देना, आपको पता चलेगा कि वो कितने ज्यादा इस ब्रांड के दीवाने हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप जरूर पसंद करेंगे, और आपका कौन सा फेवरेट ब्रांड है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। क्या है दुश्मनों का प्लान? क्या टाइगर वायरस का एंटीडोट बना पाएंगे? नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी वर्मा करती हूँ आप सभी का स्वागत बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप भी बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर जरूर जाएं और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। तो चलिए, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था बागी 4 के बारे में, बागी 4 की स्टोरी के बारे में।
वहीं से आज कंटिन्यू करते हैं। चाइना में एक तरीके का वायरस फैल जाता है जो धीरे धीरे पास ऑन होते इंडिया में भी आ जाता है। इंडिया में जब ये वायरस आता है तो इस वायरस की चेतावनी पूरे इंडिया में फैल जाती है और साइंटिस्ट को काम पे लगा दिया जाता है वैक्सीन या एनेक्डोट बनाने के लिए। इसी के बाद टाइगर भी उस स्पेशल टीम में होते हैं साइंटिस्ट की और वो लोग जतन कर रहे होते हैं वैक्सीन बनाने के लिए, पर कोई भी चीज काम नहीं करती। अब वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए वायरस की हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। इस वायरस की हिस्ट्री किसी को नहीं पता थी, तो इंडियन साइंटिस्ट चाइना में बैठे अपने जासूसों को एक्टिवेट करते हैं और उनसे हिस्ट्री निकलवाते हैं। हिस्ट्री में ये पता चलता है कि एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था, उसमें एक एक्सीडेंट के चलते वायरस पैदा हो गया और पूरे ही दुनिया में फैलता जा रहा है। आपको बता दें कि ये वायरस काफी ज्यादा शक्तिशाली है और इसके बाद इंडियन साइंटिस्ट बहुत कोशिश करते हैं वैक्सीन बनाने की, जो नहीं बन पा रही है। इसी के साथ साथ देश में दंगे फसाद भी चालू हो गए हैं धर्म के नाम पर। गवर्नमेंट पुलिस को उन जगहों पर खड़ा कर रही है जहां दंगे हो रहे हैं। जो दंगे करने वाले लोग हैं, विलन हैं, वो ये समझ जाते हैं कि कैसे इंडिया में एक वायरस फैल रहा है और इस वायरस की चपेट में जब लोग आएंगे तो उनका मकसद कामयाब होगा। वो कुछ नहीं करते, वो उससे रिलेटेड फेक न्यूज फैलाते हैं कि जो ट्रायल हो रहे हैं वैक्सीन के उसमें लोग मारे जा रहे हैं, और यही फिर से भड़का देते हैं दंगे। और इसी बीच जहां एक दिन में 1000 केस आ रहे थे, अब एक दिन में 1,00,000 केस आने लगे हैं। इसके बाद की स्टोरी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पर। ने बनाया खुद एक रिकॉर्ड, क्या फिल्म में दिखेंगे रेल गन जैसे वेपन्स? सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पे क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ और उनके फैंस की सबसे फेवरेट एक्शन सीक्वेंस बागी फ्रेंचाइजी जल्द ही अपने फोर्थ पार्ट के साथ एंट्री लेने वाली है। बागी फिल्म का नाम सुनती ना सबके दिमाग में बस यही सवाल आता है कि इस बार टाइगर कैसे एक्शन सीन्स करते हुए नजर आएंगे, इस बार क्या नया होगा। आपको बागी 3 का वो चौपर सीन तो याद ही होगा, पर क्या आप ये जानते हैं ये सीन भी किसी फिल्म का रिक्रिएट वर्जन था? 2000 में आई सनी देओल की फर्स्ट आपको जरूर याद होगी, जहां सनी देओल ने एक डायनामिक एक्शन सीन किया था जहां माइन पर जैसे धमाका हुआ वो उसी बीच हेलीकॉप्टर को पकड़कर वहां से गायब हो जाते हैं। सेम वही चॉपर सीन हमने बागी 3 में भी देखने को मिला था, और शायद इस बार भी टाइगर श्रॉफ ऐसे ही जबरदस्त चॉपर सीन करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जहां आर्मी होना ऐसे सीन होना काफी आम सी बात हो जाती है। चॉपर सीन के साथ साथ इस बार फिल्म में कई खतरनाक वेपन्स भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। बागी फ्रेंचाइजी के फर्स्ट पार्ट से लेकर थर्ड पार्ट तक हमने एक्शन जनर्स में बहुत बड़ी ग्रोथ देखी है, और इसी के चलते इस बार फिल्म में ऐसे वेपन्स यूज होंगे जिन्हें आपने शायद सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में ही देखा हो। इन वेपन्स में धूम फिल्म में यूज हुई बिग फ्लैगिंग गन, इरेजर फिल्म की रेल गन और साथ ही M55 रॉकेट्स और कई टैंक्स देखने को मिलेंगे, जिसके चलते इस फिल्म का एक्शन सीन्स किसी जंग से कम नहीं होगा। आप इस फिल्म में कौन सा वेपन देखना पसंद करेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वेल दोस्तों, ये तो बात हुई वेपन्स और एक्शन से जुड़े सवालों की। इस फिल्म ने म्यूजिक में भी बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम किया है और कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। इस फिल्म में 10 बहाने 2.0 सॉन्ग को रिक्रिएट किया गया था, और ऐसा पहली बार हुआ था जब विशाल सेगर ने खुद के सॉन्ग को रिक्रिएट करके किसी फिल्म में गाया हो। 10 बहाने का ओरिजिनल सॉन्ग हमने 2005 में सुना था, और पूरे 15 साल बाद इस सॉन्ग ने म्यूजिक लवर्स के दिलों में जगह बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म से जुड़ी कुछ और खबरों के साथ हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब करना। रॉनी का अगला मिशन। दोस्तों, आपने टाइगर श्रॉफ की सुपरहिट सीरीज बागी तो देखी ही होगी। इसके लगातार 3 पार्ट्स आ चुके हैं और अब फैंस को इंतजार है इसके फोर्थ पार्ट का, यानी बागी 4 का। मेकर्स ने भी बागी 4 की मेकिंग को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड शो किया है और जल्द ही इस पर काम भी स्टार्ट हो जाएगा। बागी 4 की कहानी भी बागी की बाकी सीरीज की तरह ही रॉनी की लाइफ के इर्द गिर्द दिखाई जाएगी। तो क्या होगी बागी 4 की कहानी, चलिए हम बताते हैं।
तो कहानी की शुरुआत होती है होम मिनिस्टर के ऑफिस से, जहां होम मिनिस्टर शिवकांत शाहू हेल्थ मिनिस्टर प्रकाश राउत के साथ बैठा बातें कर रहा था। उनके बीच बातें हो रही थी कि अगर उन्हें अमेरिका और यूके की फार्म कंपनीज को अगर इंडिया में लाना है तो हमें कैंपेन करना ही होगा। कैंपेन के जरिए लोगों को लगेगा कि हम उनका मुफ्त इलाज करवा रहे हैं और बदले में हमें पाउंड्स और डॉलर्स में इन कंपनियों से पैसा मिलेगा। सो अलग शिवकांत शाहू पूछता है कितना दे रहे हैं ये, जिस पर प्रकाश राउत कहता है एक स्टेट का 20,000 करोड़। शिवकांत शाहू कहता है तो फिर देर किस बात की, जल्द से जल्द इस डील को फाइनल करो। एक बार में अगर इतने पैसे हमारे पास आ गए तो हमें किसी पार्टी की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अकेले ही अपने दम पर पार्टी खड़ी कर सकते हैं और सारे MLA भी खरीद सकते हैं, जिस पर प्रकाश राउत का असिस्टेंट कहता है पर अगर इन दवाइयों से किसी तरह का रिएक्शन हुआ तो जनता के सामने आपकी इमेज गिर जाएगी और लाखों लोगों की हेल्थ का सवाल भी है, जिस पर प्रकाश राउत कहता है तुझे क्या लगा हमारे दिमाग में ये बात नहीं आई होगी। शिवकांत शाह और प्रकाश राउत हंसते हुए उस असिस्टेंट को बताते हैं कि कल्याण और उधार दबे हुए लोगों का ही होता है, यानी ये कैंपेन भी उन्हीं के उधार के लिए होगा। असिस्टेंट को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों किस उधार की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद तो फॉरेन फार्मा कंपनीज को अपनी दवाइयां इंडिया में लीगल प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट कराने का था। शिवकांत शाहू ने हंसते हुए कहा लगता है अभी तेरे समझ में कुछ आया नहीं, हम इन कंपनीज के कैंपेन गांव देहातों में ही करवाएंगे, जिससे कि अगर किसी तरह की मुसीबत भी आए तो हम उसे आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। अगर लोग मरने लगे तो आराम से कोई भी भूत प्रेत या बीमारी की अफवाह फैला दो, उन गवारों को क्या ही समझ आएगा कि दवाइयों से भी कोई रिएक्शन होता है या नहीं। अब असिस्टेंट को ये बात समझ में आ गई। फिर हम देखते हैं कि रॉनी एक कमरे में अपने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था। वो अपने बॉक्सिंग और एयर किक की प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी उसे दरवाजे की घंटी सुनाई देती है। वो बाहर जाता है और गेट खोलता है। सामने एक आदमी खड़ा था जो रॉनी को देखता है, राम राम कहते हुए अपने दांत दिखाने लगता है। रॉनी उसे इशारों से नीचे देखने को कहता है, जिस पर वो आदमी अपने आईब्रोज उठाते हुए मानो उसे पूछ रहा हो क्या। रॉनी फिर नीचे की तरफ इशारा करता है और वो आदमी फिर से इशारे में रॉनी से मानो पूछता है कि वो क्या कह रहा है। तो रॉनी फटकार लगाते हुए कहता है दांत ही दिखाओगे या फिर दूध भी दोगे। तब वो आदमी नीचे देखता है तो पाता है कि रॉनी के हाथ में पतीला था। वो आदमी कहता है माफ करना रॉनी भैया, हमें भी क्या है ना कि आपके जैसा मस्त हीरो वाला पर्सनालिटी चाहिए, आप हमारे हीरो है ना। हीरो क्या डोले है आपके, पूरे गांव में आपके जैसा सुंदर घटीला बदन किसी के पास नहीं। हम जब भी आपको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं और कहकर हंसने लगता है। तभी रॉनी को उसकी बातें सुनकर रियलाइज होता है कि उसने शर्ट नहीं पहनी हुई है और उस आदमी के कहने की ही देर थी कि रॉनी अपने हाथ से अपना शरीर ढकने लगता है। वो आदमी रॉनी का दूध वाला यानी मंगलू था। वो रॉनी को दूध का पतीला भर कर देता है पर रॉनी अपने हाथों से अपने शरीर को ढके हुए था, इसलिए वो कहता है कि मंगलू पतीला वहीं पर नीचे रख कर चला जाए। जिस पर मंगलू हंसते हुए कहता है क्या रॉनी भैया, आप तो लड़के लोग ऐसा शर्माते हैं, हम तो आपके अपने ही हैं, हमसे क्या शर्माना रॉनी भैया। रॉनी कहता है हाँ ठीक है तू जा। जिस पर मंगलू फिर मुस्कुराते हुए रॉनी को राम राम कहता है और अपने साइकिल पर सवार होकर वहां से चला जाता है। रॉनी भी आसपास देखता है और जल्द से दूध का पतीला उठाकर अंदर ले जाता है। रॉनी अंदर जाते ही जल्दी से एक टी शर्ट डाल लेता है और कहने लगता है अजीब लोग है, पहले खुद ऐसी बातें करके अनकम्फर्टेबल कर देते हैं और उल्टा सामने वाला का ही मजाक उड़ाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कभी अपनी जिंदगी में कोई लड़का ही ना देखा हो, ऐसे छील जैसी नजरों से देखते हैं। कहते हुए रॉनी दूध का पतीला उबालने के लिए चढ़ा देता है। तभी उसे कॉल आता है कि और दूसरे तरफ से आवाज आती है एनी प्रोग्रेस। इस तरफ से रॉनी कहता है नो सर बट आई विल सून फाइंड आउट। दूसरी तरफ से आवाज आती है तुम्हें एक महीना हो गया है मिशन पर गए हुए पर अभी तक कोई भी प्रोग्रेस रिपोर्ट सामने नहीं आई, इफ यू कांट डू दिस जस्ट टेल मी। जिस पर रॉनी कहता है आई विल सर्टनली फाइंड आउट सर प्लीज गिव मी सम मोर टाइम। दूसरी तरफ से आवाज आती है ओके यू आर आवर पोटेंशियल एंड रिलायबल सोल्जर पर आई कैन ओनली गिव यू 1 वीक और यू हैव टू कम एम्प्टी हैंड।
जिस पर रॉनी कहता है आई विल नॉट सर, आई विल सर्टनली नॉट, जिस पर फोन कट हो जाता है और रॉनी फोन रख देता है। क्या थी रॉनी की असली पहचान, किसकी तलाश में था रॉनी, जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। कौन है रॉनी, कितनी सिंपल है रॉनी की लाइफ। हेलो दोस्तों, आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त कनिष्क और मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं बागी फोर से जुड़ी कई सारी अमेजिंग बातें, जिन्हें जानकर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो बिना किसी भी देरी के लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को। लेकिन हाँ, उससे भी पहले अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक जरूर कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। बागी फ्रेंचाइज है लोगों की फेवरेट फ्रेंचाइज और इस फ्रेंचाइज की 3 फिल्म बागी, बागी 2 और बागी 3, इन तीनों फिल्मों ने लोगों को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से एंटरटेन किया और इस फिल्म की स्टोरी लाइन तो थी ही कमाल की। लेकिन इस फिल्म के हीरो टाइगर श्रॉफ के एक्शन स्टंट्स ने तो इस फिल्म में जान ही डाल दी थी। अब टाइगर श्रॉफ अपनी हर फिल्म में अपने एक्शन स्टंट्स को एक लेवल ऊपर लेकर जाते हैं, तो बस इसी कारण से लोगों को बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार है बागी 4 का। मुंबई है लोगों के सपनों का शहर, जहां हर कोई अपने आंखों में कोई ना कोई सपना लेकर आता है। वैसे ही हमारा हीरो रॉनी यानी कि टाइगर श्रॉफ भी मुंबई में रहता है एक छोटे से घर में, और उसका भी ये सपना है कि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम कमाए। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री मिलना तो कोई आम बात है नहीं, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल और रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। तो बस ऐसा ही कुछ हो रहा था रॉनी के साथ भी। अब इतना ज़्यादा स्ट्रगल और रिजेक्शन तो रॉनी फेस कर ही रहा था, लेकिन उसको अपनी छोटी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी थी, तो वो उसके लिए काम भी करता है। अब रॉनी को बॉलीवुड इंडस्ट्री में डायरेक्ट एंट्री तो नहीं मिली, लेकिन वो फिल्मों में एज अ स्टंटमैन काम करता है, जिससे उसे ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं और वो अपना घर चलाता है, जिसके कारण रॉनी एक बहुत ही ज़्यादा आम जिंदगी जी रहा है। वो आम लोगों की तरह मेहनत करता है और अपना घर चलाता है। लेकिन रॉनी का जो पास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा रहा था। अब उसके पापा तो थे आर्मी ऑफिसर, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि अपनी जान भी गंवा दी। लेकिन उनके इस सेक्रीफाइस के बदले उन्हें वो रिस्पेक्ट और वो इज्जत कभी नहीं मिली जो वो एक्चुअली में डिजर्व करते थे। अब आखिर ऐसा क्या हुआ था रॉनी के पापा के साथ, और क्या रॉनी की ये सिंपल लाइफ इतनी ही सिंपल रहने वाली है, इन सारे सवालों का जवाब तो मैं आपको जरूर दूंगी, लेकिन हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जूते भी बेचेंगे टाइगर, किस ब्रांड के जूते पहनते हैं टाइगर अपनी फिल्मों में, क्या कहा टाइगर ने अपनी दूसरी एक्शन ट्रिक को लेकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट और पसंदीदा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। दोस्तों, ये गाना तो आपने सुना ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे किससे टाइगर या बागी का क्या कनेक्शन है, तो कनेक्शन तो हम बना ही देंगे। जैसे बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ अब एक नए फुटवेयर ब्रांड से जुड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, टाइगर जापान की कंपनी A6 के एड फिल्म्स में नजर आने वाले हैं। जापानी कंपनी भारत में स्पोर्ट्स स्टाइल और एथलीटिंग सेगमेंट में अपना प्रसार कर रही है। इस एसोसिएशन के साथ भारत में ग्लोबल हैशटैग #IMoveMe कैंपेन को भी लॉन्च किया जाएगा, जो कंपनी की तरफ से जारी किया गया नया स्लोगन है, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। जी हाँ दोस्तों, टाइगर श्रॉफ इस ब्रांड को लेकर काफी उत्साहित है। उन्होंने कहा कि ये ब्रांड हमेशा मेरे साथ रहा है, चाहे वो जिम हो या छुट्टियों के दौरान या घूमते वक्त, मेरे साथ ये ब्रांड हमेशा रहा है। ये ब्रांड मेरे फैशन और फिटनेस के साथ बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। इस एसोसिएशन का उपयोग मैं ज्यादा से ज्यादा करना चाहता हूँ, जहाँ हम अधिक से अधिक लोगों को मूव करने और A6 द्वारा शुरू किए गए इस वैश्विक आंदोलन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों कि टाइगर जब भी कोई स्टंट करते हैं तो वो इसी ब्रांड के शूज पहनना पसंद करते हैं। ज्यादातर फिल्म्स की शूटिंग में जब एक्शन सीन्स होते हैं तो टाइगर इसी ब्रांड के शूज पहनते हैं। उनको लगता है किसी भी चीज को करने में सहज महसूस होना बहुत जरूरी है। अगर मेरा शूज ही सही नहीं होगा, मैं कभी एक्शन सीन को परफेक्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन 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 आप भी एक्शन सीन्स करने के लिए ये शूज मत ले लेना,
कि शूज ले लिए तो एक्शन सीन तो हो ही जाएगा। नहीं, इसके लिए टाइगर पूरी प्रैक्टिस भी करते हैं। वॉर हो या बागी के एक्शन सीन्स, ये सब में टाइगर ने इसी ब्रांड के शूज पहने हैं। ऐसे ही कुछ ब्रांड के जूते फिर से वो बागी 4 में पहने देखेंगे। उम्मीद करते हैं अब की बार आप इसे जरूर नोटिस करेंगे। अगर अभी तक आपने उनकी फिल्मों में चेहरे के अलावा कहीं ध्यान नहीं दिया तो अब से आप देना, आपको पता चलेगा कि वो कितने ज्यादा इस ब्रांड के दीवाने हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप जरूर पसंद करेंगे और आपका कौन सा फेवरेट ब्रांड है हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइए। होगी एंट्री, कौन है रॉनी का दोस्त, कहाँ पहुँचा रॉनी, देखते हैं क्या होगी बागी 4 की स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के एक कॉलेज कैंपस से, जहाँ स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई है और उस भीड़ के बीच में रॉनी किसी को ढूंढता हुआ नजर आ रहा है और उस चक्कर में वो काफी सारे स्टूडेंट से टकरा भी रहा है और सबको सॉरी बोलता हुआ जा रहा है और मन में ही कहता है कहाँ है ये साला रोहन। वो जानता है कि मुझे अकेले कॉलेज जाना पसंद नहीं है, फिर भी ऐसा ही करेगा। तभी उस क्राउड के बीच में से एक आवाज आती है जिसे सभी सुन चौंक जाते हैं और वो कोई नहीं रोहन ही होता है, जो कहता है रॉनी जिसे तू ढूंढे हर जगह वो है यहाँ। ये सुनते ही सब हंसने लगते हैं, लेकिन रॉनी मुंह बिगाड़ता हुआ उसके पास जाता है और कहता है क्या यार रोहन, क्या है ये और कहाँ था तू। रॉनी के इतने सारे सवाल सुन रोहन कहता है रिलैक्स भाई, यही हूँ मैं, तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, चल अब क्लास को पढ़ाने, मेरा मतलब पढ़ने जाते हैं। और फिर दोनों हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। रॉनी और रोहन दोनों ही बचपन के दोस्त हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है और ये दोनों हमेशा ही साथ रहे हैं। और इनकी दोस्ती जब जाहिर है, ये दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते, लेकिन पिछले कुछ वक्त से रॉनी रोहन से कुछ छुपा रहा था। वो दोनों अपनी केमिस्ट्री की क्लास में जाते हैं जहां उन्हें उनकी दोस्त सिया मिलती है जिसे रॉनी बहुत पसंद है, लेकिन वो ये बात उसे बता नहीं पाई, लेकिन रोहन को ये बात पता है, इसलिए वो इन दोनों को एक साथ बैठने के लिए कहता है और सिया के सामने विंक करता है। उसके बाद रॉनी को एक कॉल आती है और वो उठाता है और रोहन और सिया से कहता है गाइस मुझे जाना होगा। तब वो दोनों एक साथ बोलते हैं कहाँ, तब वो कहता है जाना है कहीं और सुन रोहन सिया को घर ड्रॉप कर देना। और तब रोहन कहता है अरे यार तू ऐसे मुझे डिच नहीं कर सकता, लेकिन वो उन दोनों को बाय बोलकर निकल जाता है। और सिया रोहन एक दूसरे के सामने देखते हैं और सिया रोहन से कहती है कहीं इसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं। तब रोहन मुस्कुराते हुए कहता है गर्लफ्रेंड और अपना रॉनी नो चांस, गया होगा किसी काम से, कहां जाएगा आके बता देगा मुझे और मैं तुझे। तब सिया उसे एक स्माइल देती है और फिर रोहन उससे कहता है चल मेरी क्राइम पार्टनर, तब तक कैंटीन चलते हैं और कुछ कांड करते हैं। और फिर वो दोनों क्लास से चले जाते हैं। अगले सीन में हम रॉनी को एक बंद वेयर हाउस में जाते देख रहे हैं जहाँ वो छुपते छुपाते जा रहा है और जैसे ही वो अंदर पहुंचता है एक मास्क मैन उसका इंतजार कर रहा होता है जो रॉनी से पूछता है कैसा चल रहा है मिशन। तब रॉनी कहता है अच्छा। ये सुन वो आदमी उसे एक बॉक्स देता है और कहता है तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। ये सुन रॉनी अपना सिर हिलाता है और उस बॉक्स को अपने बैग में रख कर वहां से चला जाता है। कौन है वो मास्क मैन। गुड न्यूज के साथ आए टाइगर श्रॉफ, क्या टाइगर बन गए हैं टाइप्ड एक्टर्स एक्शन के मामले में, क्या कहना है क्रिटिक्स का फिल्म को लेकर। बागी की चौथी इंस्टॉलमेंट आने वाली है। 2016 में रिलीज हुई बागी में श्रद्धा और टाइगर मेन लीड में थे। फिर बागी 2 में 2018 में रिलीज हुई थी जिसमें टाइगर के साथ दिशा पाटनी मेन लीड में थी। फिर 2020 में आई बागी 3 जो कोरोना की वजह से प्रदर्शन नहीं दिखा पाई, लेकिन इस बार पार्ट 4 में टाइगर के साथ श्रद्धा कपूर दोबारा लौटी है। पिछले तीनों फिल्मों को दर्शकों ने काफी पसंद किया था, लेकिन कमाई के मामले में पहले दो पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस किया था। बागी 4 मार्च 2023 या 2024 तक रिलीज होगी। फिल्म बागी 4 के निर्देशक है अहमद खान। इस फिल्म की खास बात यह है कि वो बागी जो पहले समाज के खिलाफ था, आर्मी के खिलाफ था, इस फिल्म में वो पूरे राष्ट्र के खिलाफ होगा। इंडियन आर्मी का पारा SF सोल्जर रणवीर प्रताप सिंह उर्फ रॉनी एक बार फिर वापस आया है, पहले से और भी मजबूत होकर। और इससे ये साफ साफ पता चलता है कि ये एक घोर एक्शन फिल्म है और टाइगर श्रॉफ इसमें भी अपनी ऊंची छलांगों और अपने खतरनाक स्टंट से लोगों का दिल बहलाने वाले हैं। लेकिन फिर से ये सब देखकर यही लगता है कि टाइगर अब टाइप्ड हो चुके हैं, एक्शन एक्शन और सिर्फ एक्शन।
माना कि टाइगर की बॉडी और उसके एक्शन और स्टंट्स लोगों को एक्साइट करते हैं, लेकिन अति हर चीज की बुरी होती है। यूं लगता है कि टाइगर श्रॉफ की इमेज सिर्फ एक एक्शन हीरो की ही रह गई है, और अगर टाइगर एक्शन नहीं करेंगे तो वो टाइगर नहीं कहलाएंगे। किसी भी हीरो के लिए एक एक्टर होना ज्यादा अहमियत रखता है। एक्शन, डांस और फिटनेस तो सेकेंडरी है, इसलिए टाइगर को जल्द अपने लिए कुछ और भी सोचना जरूरी है। हालांकि टाइगर के चाहने वालों के लिए ये बागी 4 एक और एक्शन पैक रोमांच की खुशखबरी लेकर आया है। लोगों को जो चाहिए उन्हें वही मिलने वाला है। टाइगर के स्टंट और एक्शन शायद उनके चाहने वालों को कभी बोर न करे, लेकिन फिल्म क्रिटिक्स देर सवेर ये बात बोल ही देंगे कि भाई टाइगर मियां थोड़ा कम उछल कूद करे, अब हम बोर हो गए हैं। और कोई क्रिटिक्स बुराई करे या ना करे, लेकिन के साहब तो वैसे भी बॉलीवुड पर निशाना साधे रहते हैं। ऊपर से अगर वो नेपो किड है तो मतलब खत्म, टाटा गुड बाय। ऐसी ऐसी बात बोलते ही खुद शर्म भी शर्मा जाए। और जब बागी 3 आई तब भी के ने ऐसे ऐसे बात किए कि मतलब पूछो ही मत। के ने कहा, अहमद खान जैसे डायरेक्टर और फरहाद सामजी जैसे राइटर की रितेश देशमुख जैसे टैलेंटेड एक्टर को वेस्ट कर सकते हैं और वेस्ट एक्टर को हीरो बना सकते हैं। बागी 3 सिर्फ हार्डकोर एक्शन लवर्स के लिए फिल्म है जो गुंडागर्दी करते हैं, बिना लॉजिक की है बागी 3। इस तरह से के ने क्रिटिसाइज किया था बागी 3 को। खैर, अब ये देखना होगा कि के बागी 4 पर क्या क्रिटिसिज्म फैलाता है। वेल, अब इसी के साथ खत्म करते हैं बातों का सिलसिला, लेकिन आप बस हम पर एक मेहरबानी करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और हम कहां भागे जा रहे हैं? ए, टाइगर जिंदा है का कनेक्शन फिल्म से? लोग टाइगर के फिल्मों को आखिर क्यों देखने जाते हैं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज, और मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त लीशा चोपड़ा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ स्टारडम से भरी मूवी बागी 4 से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। काफी दिनों से लोग टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4 का इंतजार कर रहे हैं। पिछले ही दिनों जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था तो लोगों को फिल्म की झलक देखने के लिए काफी उतावला देखा गया था। इतना ही नहीं, बागी 4 के रिगार्डिंग जितने भी अपडेट्स आई हैं उनके अकॉर्डिंग ये साबित हो ही गया है कि उनकी इस फिल्म में सिर्फ एक्शन होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे सलमान खान की फिल्मों में होता है। थोड़ा गौर करें तो पता चलेगा कि टाइगर श्रॉफ ने सलमान खान को अपने अंदर उतार लिया है। अब सवाल ये है कि फिल्म आखिर होगी कैसे? तो अगर आपने सलमान खान की टाइगर जिंदा है देखी है और वो फिल्म आपको अच्छी लगी थी तो बेशक बागी 4 आपको पसंद आएगी। वैसे भी टाइगर श्रॉफ की फिल्मों को लोग सिर्फ एक्शन के लिए देखने जाते हैं, जैसे सलमान खान की फिल्म को लोग सिर्फ एक्शन के लिए देखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे टाइगर श्रॉफ ने सलमान खान को अपने अंदर उतारने वाले काम किए हैं। जिस तरह सलमान खान की कोई भी फिल्म बिना एक्शन के अधूरी सी लगती है, ठीक उसी तरह टाइगर श्रॉफ की फिल्म देखने गए लोग ये मानकर ही सिनेमा हॉल में घुसते हैं कि आज तो टाइगर सब धुआं धुआं कर देगा। बागी फ्रेंचाइज की बाकी 3 फिल्में भी एक्शन से भरपूर थी और बागी 4 में तो एक्शन का डबल नहीं ट्रिपल डोज लग रहा है। सलमान खान की फिल्म लोगों को दो चीजें ध्यान में रखकर देखने जाते हैं, पहला है बॉडी और दूसरा है जलवा। टाइगर श्रॉफ ने सलमान वाली बॉडी तो पहले ही बना ली थी, अब अपनी एक्शन फिल्मों से उनके जैसा जलवा भी बना लिया है। टाइगर जिंदा है देख चुके लोग ये जानते ही होंगे कि उसमें सलमान खान एक मिशन पर थे जिसके तहत उन्हें ISI के चंगुल में फंसी भारतीय नर्सों को छुड़ाना था। उन्हीं की तरह टाइगर श्रॉफ भी बागी 3 में एक मिशन पर हैं। खास बात यह है कि दोनों ही गल्फ देश में जाकर ISI के खिलाफ लड़ रहे हैं, बल्कि देखा जाए तो एक था टाइगर और फिर उसके सीक्वल टाइगर जिंदा है में भी सलमान भी मिशन पर थे, और इधर बागी, बागी 2, बागी 3 में टाइगर श्रॉफ मिशन पर हैं। हाँ, वो बात अलग है कि सलमान खान देश के लिए मिशन पर रहते हैं जबकि टाइगर श्रॉफ अपनी पर्सनल वजहों से मिशन पर निकल ही पड़ते हैं। इन सभी के बीच अगर कोई ये सोचकर सिनेमा हॉल जाए कि उसे एक बेहतर स्टोरी और शानदार एक्टिंग मिलेगी तो टाइगर श्रॉफ उनके लिए सिर्फ निराशा का सबक है।
इतना ही नहीं, सलमान खान की फिल्मों की तरह ही टाइगर श्रॉफ की फिल्में भी फिजिक्स के नियमों को लागू नहीं करती हैं। ग्रेविटी से लेकर फोर्स तक इन फिल्मों में सब कुछ सिर्फ स्क्रिप्ट पर ही निर्भर करता है। खैर, सारी बातों का निचोड़ बस इतना सा है कि अगर आप टाइगर जिंदा है आपको अच्छी लगी थी तो बेझिझक आपको टाइगर श्रॉफ की बागी 4 भी डेफिनेटली अच्छी लगेगी। बता दें, बागी 4 की जब अनाउंसमेंट हुई थी तब टाइगर श्रॉफ, डायरेक्टर अहमद खान और प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला की एक फोटो शेयर की गई थी। इसके साथ ही मेकर्स ने लिखा, बागी टीम फिर से लौट रही है। टाइगर श्रॉफ, प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला और डायरेक्टर अहमद खान फिल्म बागी लेकर आ रहे हैं। शूटिंग दिसंबर में शुरू होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दर्शकों कि इससे पहले अहमद खान बागी 2 और बागी 3 का भी निर्देशन कर चुके हैं। टाइगर श्रॉफ को वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछली बार वो फिल्म बागी 3 में नजर आए थे। भारत में कोरोना वायरस के दस्तक देने के बावजूद टाइगर के फैंस उनकी ये फिल्म देखने के लिए बहुत ही जल्द में थिएटर्स पहुंचे। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। इससे पहले साल 2019 में टाइगर की फिल्म वॉर रिलीज हुई थी, जो उनके करियर के लिए सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से भी अधिक का कारोबार किया था। वॉर में टाइगर और ऋतिक रोशन ने पहली बार साथ काम किया था। वेल, दर्शकों, अब इसी के साथ ख़त्म करते हैं बातों का सिलसिला, लेकिन आप बस हम पे एक मेहरबानी कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। है वो मिस यूनिवर्स जो एक्शन सीन्स भी करेंगी फिल्म में। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। बॉलीवुड के फिल्मी सितारों की गैलेक्सी में टाइगर श्रॉफ पोलर स्टार की तरह बिल्कुल अलग चमकते हुए दिखाई देते हैं। एक फिल्मी सितारे की संतान होकर उन्होंने जो मुकाम पाया है उसका विवादों में न घिरना बताता है कि टाइगर में कुछ तो स्पेशल है, वो कुछ तो अलग कर ही रहे हैं जिसने उन्हें सबसे अनूठा बनाया हुआ है। टाइगर श्रॉफ ने अपने छोटे से करियर में जिन बुलंदियों को छुआ है वो निश्चित ही एक पिता के रूप में जैकी श्रॉफ के लिए गौरव की बात है। टाइगर श्रॉफ पूरे बॉलीवुड के लिए एक एग्जाम्पल हो सकते हैं कि आखिर चमक दमक बरी ग्लैमर इंडस्ट्री में बेदाग रहकर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। टाइगर को मेनली अनप्रिडिक्टेबल एक्शन स्टंट हीरोइज्म और ज़बरदस्त एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर में से एक माना जाता है। इसीलिए जितनी भी एक्शन फिल्में आती हैं वो लगभग टाइगर के नाम हो जाती हैं। अब बागी 4 को ही देख लो। बागी की तीनों इंस्टॉलेशन में स्टंट एक्शन कर मन नहीं भरा तो इसकी चौथी इंस्टॉलेशन के साथ आ रहे हैं टाइगर, और इस बार एक अलग लेवल का एक्शन करते नजर आएंगे। जैसे हम रोहित शेट्टी की फिल्मों में या उनके रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में देखते हैं, ठीक वैसे ही स्टंट्स करेंगे। टाइगर बागी 4 के लिए एक अलग से डाइट ले रहे हैं जिससे वो रिक्वायर्ड बॉडी बना रहे हैं और जिम में भी खूब पसीना बहा रहे हैं। साथ ही साथ अपने आप को और भी स्मार्ट और हैंडसम हंक बना रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि बागी 4 आ रही है और उसमें बॉडी होने चाहिए 8 पैक्स एब्स। लेकिन इसके अलावा बागी 4 में 2015 की मिस यूनिवर्स भी नजर आने वाली है, और वो है उर्वशी रौतेला। इस मूवी में उर्वशी रौतेला अलग अंदाज में ही नजर आने वाली हैं, और वो अंदाज कैसा होगा आइए ये भी जान लेते हैं। अक्सर फिल्मी सितारे अपने किरदारों में खुद को परफेक्ट दिखाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ऐसे में ये सितारे अपने लुक के साथ कोई बदलाव करने में भी कभी पीछे नहीं हटते। इसके अलावा अगर कुछ अलग सीखने की बात हो तो उसमें भी कोई कलाकार नहीं कतराता। अब उर्वशी रौतेला भी ऐसे ही सितारों में शामिल हो गई है। दरअसल उर्वशी रौतेला इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, क्योंकि वो अपनी आने वाली फिल्म के लिए मार्शल आर्ट सीख रही हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी भूमिका के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं और मार्शल आर्ट मज़ेदार है। उर्वशी ने कहा, मुझे अपनी एक्शन फिल्म के लिए कड़ी मेहनत करने और एक नया कौशल सेट सीखने का विचार पसंद आया है, चाहे वो मैथाई, काली, फिलिपिनो स्टिक फाइटिंग या बोजुत्सु हो, मेरे लिए ये जीवन के लिए स्कूल जैसा है। अभिनेत्री ने आगे कहा, मार्शल आर्ट मज़ेदार है, ये सब कुछ डांस की तरह कोरियोग्राफ किया गया है जो अच्छा है, क्योंकि ये मार्शल आर्ट के लिए बड़े किक और फ्लिप की शानदार पहलुओं को साथ
बहुत मजेदार है। अभिनेत्री ने अपनी आगामी एक्शन फिल्म बागी 4 को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं और गुंडों को पछाड़ने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि फिल्म टाइगर के साथ साथ उर्वशी भी गुंडों को ढिशुम ढिशुम मारती नजर आने वाली है। अब आप ही बताओ कि बला की खूबसूरत स्टनिंग एक्ट्रेस ऐसे ऐसे स्टंट करेंगी तो कितने लड़कों के दिल घायल हो जाएंगे। खैर, अब इसी के साथ खत्म करते हैं बातों का सिलसिला, लेकिन आप हम पर एक मेहरबानी करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और हम कहां भागे जा रहे हैं? एक दिन में 100 करोड़ पार। अहमद खान ने 2004 में लकीर और 2007 में फुल एंड फाइनल जैसी फिल्म में डायरेक्ट की थी और उसके बाद सीधा 11 साल बाद बागी 2 को डायरेक्ट किया और अब बागी की चौथी फ्रेंचाइजी को भी डायरेक्ट करने वाले हैं। पहली वाली बागी को दर्शकों का बहुत प्यार मिला था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस भी किया था। बागी 4 तेलुगु फिल्म क्षणम की हिंदी रीमेक है। क्षणम ने साउथ में तगड़ा बिजनेस किया था, जिसे देखते हुए इसका हिंदी रीमेक बनाने का फैसला हुआ। आखिर कैसी बनी ये फिल्म, इसके बारे में अलग से बात करेंगे। आज हम आपको बताने जाएंगे कि बागी 4 कितने करोड़ का बिजनेस कर सकती है। टाइगर श्रॉफ और अहमद खान निर्देशित फिल्म बागी की पहली 2 फ्रेंचाइजी अच्छा खासा कमा कर 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है, लेकिन बागी 3 में ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि उस वक्त कोरोना वायरस बॉक्स ऑफिस पर जो डेरा जमाए हुए थे, तो फिल्म अच्छे से कमा नहीं सकी। क्योंकि अब फिल्म का चौथा इंस्टॉलमेंट आ रहा है तो सभी को फिल्म से और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से भरपूर उम्मीद है। खबरों की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो कमी बागी 3 में हुई थी वो भी कवर अप करेगी बागी 4। बता दें कि उम्मीद बताई जा रही है कि बागी 4 में फर्स्ट वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन सकती है, वो भी 100 करोड़ की ओपनिंग के साथ। अगर ऐसा होगा तो ये रिकॉर्ड कई सालों तक शायद कोई नहीं तोड़ पाएगा। साथ ही ये टाइगर की पहली फिल्म है जो 100 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी। फिल्म में लीड हीरोइन की भूमिका में सारा अली खान को कास्ट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, नवाब की शहजादी नजर आने वाली है टाइगर के साथ। 2020 में रिलीज हुई टाइगर श्रॉफ की हिट फ्रेंचाइजी फिल्म बागी 3 की असफलता के बाद मेकर्स ने इसके अगले 5 की घोषणा कर दी थी। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के लगने के बाद मेकर्स फिल्म की स्क्रिप्टिंग पर काम कर रहे थे। सभी फिल्मों की शूटिंग फिर से शुरू होने के बाद मेकर्स भी बागी 4 को जल्द से जल्द फ्लोर पर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। बागी 4 में टाइगर श्रॉफ के अपोजिट फीमेल लीड की एंट्री हो गई है और वो है सारा अली खान। सारा अली खान को बागी 4 ऑफर हुई है। इससे पहले साजिद नाजरवाला के बैनर तले बन रही फिल्म हीरोपंती 2 भी सारा को ऑफर हुई थी, लेकिन ड्रग मामले में ना माने के बाद उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया था। हालांकि साजिद ने उन्हें एक और फिल्म में लेने का वादा किया था और अपने वादे के मुताबिक साजिद ने सारा अली को बागी 4 के लिए चुना है। सारा अली खान और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर दिखाई देगी। दोनों स्टार्स की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस भी बेताब है। वेल, अब इसी के साथ खत्म करते हैं बातों का सिलसिला, लेकिन आप बस हम पर एक मेहरबानी करिए। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। बॉलीवुड के यंग एक्शन स्टार्स के रूप में पहचान बनाने वाले टाइगर श्रॉफ, जिन्होंने इंडस्ट्री में अपनी शुरुआती फिल्म हीरोपंती से की थी, अब वो एक लंबा सफर तय करके बागी 4 के साथ वापस अपने एक्शन मोड पर आ चुके हैं। कोरियोग्राफर से फिल्म मेकर बने अहमद खान द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म में वो सब कुछ हैं जो किसी मसाला फिल्म को सुपरहिट बनाने के लिए जरूरी है। फिल्म में टाइगर के अलावा बेहद खूबसूरत उर्वशी रुथैला लीड रोल में नजर आने वाली है। अब बॉलीवुड ठहरा कॉपीकैट, बिना कॉपी किए शायद ही कभी कोई फिल्म बनी रहेगी। साउथ की फिल्मों का रीमेक बना बना कर ही तो अपना घर चला रहे हैं बॉलीवुड के मेकर्स। आप खुद ही देख लो ना, सलमान की वांटेड भी साउथ मूवी, पोकिरी का रीमेक मूवी थी, फिर राउडी राठौड़ विक्रमाकांदू का रीमेक थी, अपने कबीर सिंह भी तो अर्जुन रेड्डी का रीमेक ही था। अब जहां बड़े बड़े दिग्गज रीमेक में काम कर रहे हैं, तो आपके चाहने वाले एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ कैसे पीछे रह सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, टाइगर की बागी 4 तमिल की फिल्म थिरुतुपल्ले 2 का रीमेक है। टाइगर के साथ साथ फीमेल लीड की बात करें तो इसमें आपको उर्वशी रुतैला नजर आने वाली है, जो टाइगर के साथ रोमांस करती नजर आएंगी। साउथ की फिल्म थिरुतुपल्ले 2 के रीमेक की शूटिंग 1 दिसंबर से उत्तराखंड में शुरू होने जा रही है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रुतैला अभिनेता टाइगर श्रॉफ के साथ रोमांस और एक्शन करते हुए नजर आएंगी। जबकि मूवी में विलन का रोल का किरदार निभाएंगे, इसकी अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। एक्शन थ्रिलर फिल्म की शूटिंग लखनऊ में भी की जाएगी। इससे पहले टाइगर बागी
बागी 2 और बागी 3 का भी हिस्सा हो चुके हैं, लेकिन उनकी प्रेमिका हर बार बदल दी जाती है और इस बार भी वैसा ही हुआ। ना ही दिशा को कास्ट किया, ना ही श्रद्धा को, हाथ मारा भी तो किस पे, सीधा मिस यूनिवर्स पर। खैर, आपको क्या लगता है कैसी होगी उर्वशी और टाइगर की जोड़ी, और आप सभी इस मूवी को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? आप अपने ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अलगाव से होगा बदला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राम स्टूडियो। मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट श्रीशम। दोस्तों, टाइगर अपनी धुरंधर एंट्री के साथ एक बार फिर आ रहे हैं बॉलीवुड की सिल्वर स्क्रीन पर वापस। इस बार इनकी एंट्री होने वाली है बागी 4 से। जैसे कि हम सब देख ही रहे हैं कि टाइगर बैक टू बैक मूवीज ला रहे हैं, लेकिन वो बैक टू बैक फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है। टाइगर की श्रुपे की एक्शन स्किल जो कि उनके मोस्टली मूवीज में काम आती है, अब हो रही है फिर। सिर्फ एक एक्शन ही है जिसके बेसिस पर आज तक टाइगर बॉलीवुड में बने हुए हैं, लेकिन अब वो एक्शन भी नहीं चल पा रहा है उनकी मूवीज में। साथ ही और इसी के चलते फैंस को उनकी इस मूवी की भी चिंता है। उनका ये मानना है कि शायद टाइगर का एक ही स्टाइल अब नहीं कर पा रहा है ऑडियंस को इम्प्रेस, जिसके चलते होना चाहिए ये अपकमिंग मूवी फ्लॉप। हालांकि दूसरी तरफ कुछ फैंस टाइगर की इस मूवी को लेकर काफी श्योर भी हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले पार्ट में काफी अच्छा काम किया था मूवी को, साथ ही सक्सेसफुल बनाया था। तो इसी सहारे फैंस ये भी मान रहे हैं कि ये आने वाला पार्ट भी मचा सकता है धूम। होने का हो सकता है कि टाइगर इस बार एक्शन के साथ साथ एक्टिंग भी करते नजर आए और तब शायद मूवी सक्सेसफुल भी हो सकती है। साथ ही साथ हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि इस बार टाइगर दिखेंगे एक नए अवतार में, जो कि मे बी उनके स्टाइल से थोड़ा अलग हो लुक वाइज। जहां वो हमेशा एक टफ एंड इंटेंस लुक में देखे जाते हैं, वहीं हो सकता है इस मूवी में उनका स्टाइल हो थोड़ा फॉर्मल और डिफरेंट। उनका इनोसेंट फेस और फॉर्मल लुक वैसे भी उन पर काफी सूट करता है, लेकिन फिलहाल ये तो अजम्पशन बेसिस पर हो रही है बातें। लेकिन क्यों ना एस ऑडियंस आप हमें बताएं कि इस बार टाइगर को किस अवतार में देखना। किस कास्ट की एक्टिंग, क्या एक बार फिर मनोज वाजपेयी नजर आएंगे फिल्म में? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैंड स्टूडियोज में। अहमद खान निर्देशित फिल्म बागी 4 में टाइगर श्रॉफ और सारा अली खान मेन लीड में नजर आने वाले हैं। फिल्म को लेकर ज्यादा खुलासा तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये गेस किया जा रहा है कि टाइगर और सारा की टकराव टिपिकल कॉलेज वाले प्यार की तरह होगी, जहां दोनों की मुलाकात कॉलेज में होगी। एज यूजुअल कॉलेज वाला प्यार, फिर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी और वो एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे। दिन खुशनुमा बीत रहे होंगे, टाइगर और सारा फैसला करेंगे कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन ठीक उसी दिन सर के साथ एक हादसा हो जाएगा जिससे दोनों की जिंदगी ही बदल जाती है। जैसा कि हमेशा होता आया है, इस प्रेमी जोड़े को अलग होना पड़ता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं बल्कि यहाँ से शुरू होगी। अब देखते हैं मेकर्स फिल्म की स्टोरी लाइन को कैसे खींचते हैं। ये फिल्म मल्टी स्टारर फिल्म है, लेकिन हर किरदार का रोल इतना दमदार और इफेक्टिव होने वाला है कि कहीं भी कुछ बनावटी नहीं लगेगा। फिल्म में मनोज वाजपेयी का रोल DIG का होगा, जो कि बागी के दूसरे सीक्वल में भी नजर आए थे। कमाल की बात तो ये है कि मनोज वाजपेयी बागी 2 में भी DIG थे, मतलब इस बार बागी 4 में भी एक बार फिर लौट रहे हैं DIG साहब। और लौटना तो था ही उन्हें, क्योंकि बेहद सहज और उम्दा अभिनय जो था उनका। बता दें कि बागी 2 रणदीप हुड्डा भी पुलिस ऑफिसर के रोल में थे, जो कि सेल्फी लेने के शौकीन थे, और वो अपना हुलिया इस तरह बनाकर रखते थे कि एक पुलिस वाले कम एक चर्सी ज्यादा लगते थे। लेकिन अगर बात मनोज वाजपेयी की करें, तो बागी 4 में चोरों को पकड़ने का अंदाज निराला होने वाला है, और उनका यही नया एक्सपेरिमेंट लोगों को काफी पसंद आएगा। बात करें सारा अली खान की, तो सारा अपने किरदार में जमी है। टाइगर और सारा के बीच की केमिस्ट्री कितनी जबरदस्त होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जान लीजिए दोस्तों कि सारा अली खान इस बार अबला नारी नहीं बल्कि WWE से इंस्पायर्ड होकर आ रही हैं। अरे अरे, अब ये मत समझिएगा कि सारा एक्टिंग छोड़ बॉक्सिंग करेंगी। हमारा WWE से ये मतलब था
कि सारा बागी के चौथे इंस्टॉलेशन में टाइगर के साथ मिलकर गुंडों के छक्के छुड़ाने वाली हैं। उसके लिए सारा बेहद पसीना बहा रही हैं, कई सारे स्टंट भी सीख रही हैं। मतलब इस बार भोली भाली सारा का डेंजर अवतार भी देखने को मिलेगा, जो कि सारा अली खान के लिए काफी एक्साइटिंग है और उनके साथ साथ उनके फैंस के लिए भी। जब से सारा अली खान ने बॉलीवुड में डेब्यू किया गया है, तभी से उनकी जोड़ी टाइगर श्रॉफ के साथ बनाए जाने की चर्चा कई बार हो चुकी है। हीरोपंती की अनाउंसमेंट से पहले ऐसी खबरें आई थी कि प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने सारा के साथ हीरोपंती 2 बनाने का फैसला भी कर लिया था। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत में जुड़े ड्रग चैट केस में सारा अली खान को NCB के समन मिलने के कारण सारा का नाम फिल्म से हटा दिया गया था और तारा सुतारिया को कास्ट कर लिया गया था। साजिद ने सारा अली खान को अपनी फिल्म में लिए जाने का वादा पूरा करते हुए उन्हें एक और बड़ी फिल्म ऑफर की और वो फिल्म और कोई नहीं बल्कि बागी 4 थी। खबर है कि सारा अली खान को टाइगर श्रॉफ के साथ बागी 4 में कास्ट किया गया है। साजिद ने फिल्म में फीमेल लीड के लिए सारा का ही नाम फाइनल किया है। दरअसल पहले हीरोपंती 2 में सारा को लिया जाना था, लेकिन उनकी जगह तारा सुतारिया को लिया गया था। वेल, अब देखते हैं कि कितनी मजेदार होगी सारा अली खान और टाइगर श्रॉफ की फिल्म में। विलन्स कहां कहां के होंगे? क्या चाइना वालों के साथ फाइट करेंगे टाइगर श्रॉफ? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की हिट फ्रेंचाइजी फिल्म बागी को खूब पसंद किया गया। अब इसकी चौथी इंस्टॉलमेंट आने वाली है। फिल्म में टाइगर श्रॉफ ही लीड रोल निभाएंगे। बागी 4 को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स कर दी गई हैं, तो आज हम आपको बागी 4 से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातों का सिलसिला। बागी 4 एक ऐसी फिल्म होगी जो टाइगर श्रॉफ के एक्शन टैलेंट को और निखारने के मकसद से बनाई जाएगी, मगर उस एक्शन को किसी कहानी में फिट करना पड़ेगा। इसी आइडिया के साथ साजिद नाडियाडवाला, अहमद खान और रजत अरोड़ा बागी 4 की कहानी लिख रहे हैं। बागी 4 में आपको देखने को मिलेगा कि जिस जिसके साथ पंगा लेगा वो सब लोग उसे मारना चाहेंगे। फिल्म को इंटरनेशनल लोकेशंस पर शूट किया जाना है, इसीलिए ये सारे विलन दुनिया के अलग अलग हिस्से के होंगे, कोई इजिप्ट से, कोई चाइना से। अब इनडायरेक्टली ही सही, चाइना के लोग को मारते मारते देश खुनस निकाल सकते हैं टाइगर। खैर जोक्स अपार्ट, ये फिल्म एक पूरे मसाला एंटरटेनर होगी। मसाला एंटरटेनर कहने का मतलब है फिल्म को देख मजा तो बहुत आएगा, बट फिल्म में कोई लॉजिक नहीं होगा। जहां तक डायलॉग्स का सवाल है, तो ये फिल्म बात बात पे नए तरीके निकलेगी। मतलब फिल्म में बहुत शॉर्ट फॉर्म उसे किए जाएंगे बात करने के लिए, जैसे हम आप जब अपने दोस्तों से चैटिंग करते हैं, बस उसी तरह फिल्म में कोई एब्रिविएशन यूज किए जाएंगे। टाइगर फैंस के लिए एक खुशखबरी है कि ये आपको इस फिल्म में भी टाइगर श्रॉफ के मुंह से छोटे बच्चे हो क्या और सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं जैसे डायलॉग्स सुनने को मिलने वाले हैं, मगर उसकी कॉल बैक वैल्यू इतनी नहीं बची कि आप उसे एंजॉय कर पाएंगे। और क्यों नहीं बची, इसकी वजह ये भी है कि आजकल रील्स में हमें हर किसी से ये डायलॉग सुनने को मिल रहा है, तो अब हम उसमें मजा नहीं रहा। ये फिल्म हर बीतते सीन्स और सीक्वेंस के साथ क्रिंज कंटेंट में तब्दील होती जाएगी। आप बस ये देखते रहते हैं कि मामला और कितना खराब हो सकता है। हैरानी की बात ये है कि आप जितना सोचते हैं मामला उससे कहीं ज्यादा खराब हो जाता है। मतलब हमने इसीलिए ये कहा कि हम तो यही सोचते हैं कि फिल्म सुपर डुपर हिट अच्छी होगी, लेकिन मिलती है हीरोपंती 2 जैसी बोरिंग कहानी। हीरोपंती 2 का भी कितना क्रेज था, लेकिन हुआ क्या, मूवी पिट गई। अब देखते हैं क्या होगा बागी 4 के साथ। आपको क्या लगता है, आप अपने ओपिनियन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।